गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी सीए फाइनल की, एसएफएम की, एएफएम की न्यू बैचेस। और इससे पहले कि हम ये सारी चीज़ें पढ़ें, एसएफएम के बारे में पढ़ें, एएफएम के बारे में पढ़ें, लेट अस इंट्रोड्यूस ईच अदर। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम प्रवीण खटोड़ एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई बिकेम सीए इन ईयर 2005, सो इट्स बिन 18 ईयर्स सिंस आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, I was actually confused that what should I do in my life? Should I go for practice? Should I go for job? Or should I go for teaching? I decided that I should go for job. Then I worked in Infosys at Bangalore. And then I moved to Mumbai. There I worked for a financial services company. And then I moved to America. There I worked for 2.5 years. And in year 2010, I came back to India, and since then I am into the teaching field. So I am teaching multiple subjects at CA final and at CA intermediate level. At CA final level, I teach two subjects. One is SFM, AFM, and another is strategic cost management and performance evaluation. Again, at CA intermediate level, I teach two subjects. One is costing and another is FM economics. We have recently started our CFA classes as well. Okay, so that was all about me. Now let me ask you some certain questions. I'm pretty sure that many of you have already studied from me at CA intermediate level, costing, FM, economics. Some of you have already studied. Okay, so let me ask certain questions from you. When is your attempt due? Is it in year 2023 or 24 or 25? So how many of you have attempt in year 2023? No one. Okay, few people. Okay, and how many of you have attempt in 2024? Most of you. And anybody who has his attempt due in 2025? Okay, that's great. Okay, so the reason for asking the attempt is very simple, because जैसे ही कोई student CA final में कदम रखता है तो वो सबसे पहला subject usually SFM, AFM ही करता है, strategic financial management या AFM ही करता है। हालांकि आपके पास दो choices होती है, या तो आप FR कर लें या फिर आप SFM, AFM कर लें। वैसे SFM, AFM ज़्यादा बेहतर choice है, खास करके उन लोगों को समझाना आसान है जिन्होंने ऑलरेडी एफआर कर चुका है। आपको पता होगा एफआर के अंदर कितना सारा प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आज की तारीख में आ चुका है, डेरिवेटिव्स की अकाउंटिंग उसके अंदर आ चुकी है। तो वो सारी चीज़ें पहले हम एसएफएम में समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, और फिर एफआर समझना आसान होता है। खास मकसद मेरा पूछने का पता है क्या रहता है अटेम्प्ट, क्योंकि यूजुअली जब भी आप एसएफएम की बैच करते हैं उससे एटलीस्ट 1.5 ईयर या फिर एटलीस्ट 2 ईयर बाद आपका अटेम्प्ट ड्यू होता है। क्या होता है दोस्तों, जब आप क्लास अभी करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन लिखा हुआ ही साथ जाता है। यानी अगर आज से 1 साल बाद आपने रिवीजन करने के लिए किताब उठाई, अपनी कॉपी उठाई आपने, राइट, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने क्लास में बताई है, आपको समझाई, आपको समझ में भी आई है, लेकिन 1 साल बाद जब आप कॉपी खोलेंगे तो सिर्फ वो ही चीजें आपको याद रहेंगी, रिवाइज कर पाएंगे जो आपने कॉपी में लिखे हुए हैं, राइट। सीए फाउंडेशन में या सीए इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं होता था। वहां जब हम पढ़ते थे उसके विद इन 6 मंथ्स हमारा अटेम्प्ट ड्यू हो जाता था, 6 मंथ्स 9 मंथ्स में, राइट। तो हमारी मेमोरी में उतनी सारी चीजें रहती थी, लेकिन अभी सीए फाइनल में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट होता है। बैच आप आज करते हैं और आपका अटेम्प्ट ड्यू आज से 2 साल बाद होता है। तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, क्लास में जितनी भी सारी चीजें समझाई जाए वो आपको सारी की सारी नोट डाउन प्रॉपरली करनी है। खैर, क्योंकि मुझे ये बात पहले से ही पता है, इसलिए मैं मेरी तरफ से जितनी सारी चीजें बोलता हूँ वो मैं सारी की सारी आपको डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, आप समझते होंगे, डॉक्यूमेंट करवा देता हूँ, ताकि वो चीजें आपकी ब्रशअप होती रहे। एक और फैसिलिटी है, बाय चांस अगर आप नोट नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पर रिविजन वीडियोज अवेलेबल रहते हैं, तो वहां से भी चीजें रिवाइज हो जाती है। दूसरी चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिसको कि एफएम इकोनॉमिक्स में इंटरमीडिएट लेवल पर एग्जेम्पशन आई थी। काफी टैलेंट है, ओके। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको कि एफएम इकोनॉमिक्स से डर लगता था कि बस ये निकल जाए? अरे कोई भी डरा हुआ नहीं एफएम से, ओके। चलिए,
तो दोस्तों मेरे पूछने का मकसद ये रहता है, अगर आपको एफएम में एग्जेम्पशन आई है, यानी कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, वो और स्ट्रांग हो जाएगा सीए फाइनल लेवल पर, लेकिन मेरे जो पढ़ाने का अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा, यह मानते हुए कि आपने सीए इंटरमीडिएट में एफएम ही नहीं पढ़ा है, यानी मैं आपको एक सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट मानकर सीए फाइनल का एसएफएम पढ़ाने वाला हूँ। Which means मैं भूल जाऊंगा कि आपने कभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा है, मैं भूल जाऊंगा कि आपने कभी लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज पढ़ा है, और ये सारी चीजें जहां जहां हमारे सिलेबस में आएंगी वो मैं डेफिनेटली कवर करूंगा। खैर अगर मैं मान भी लूंगा ना कि आपने इंटरमीडिएट में लेवरेज पढ़ रखा है, और अभी मैं आपसे पूछ लूंगा कि क्या थे फॉर्मूलाज फाइनेंशियल लेवरेज के, नहीं सर थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ेगा, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि हमने कुछ भी इंटरमीडिएट के एफएम के लेवल पर नहीं पढ़ा हुआ है। राइट, तो बेसिक से सारी चीजें होंगी। राइट, देखो सब डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, कोई बहुत टैलेंटेड रहता है, कोई नहीं भी रहता है। राइट, तो हम सभी को एक कॉमन बैकग्राउंड पर लेकर आएंगे और फिर उड़ान भरेंगे। राइट, कितने स्टूडेंट्स हैं आप में से जिन्होंने ये सोच रखा है कि सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक लेकर आनी है? ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक, ग्रेट। ऑल इंडिया रैंक अगर आपने सीए फाइनल लेवल पर स्कोर कर ली तो आपकी लाइफ बहुत अलग होगी वर्सेस अगर आपने ऑल इंडिया रैंक स्कोर नहीं करी। और मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आप भी जानते हैं, एक नॉन एआईआर का जो पैकेज लगता है उसमें और एक ऑल इंडिया रैंकर के पैकेज में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है डे वन से, और ये गैप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता ही जाता है। एक नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैकेज लगता है 10 लाख, 12 लाख, 12 लाख मान लूं मैं, ओके। 12 लाख के बाद प्रोग्रेस कैसे होती है? 12 लाख से 14-15 लाख्स, 16-17, 18-19-20, 20-21, 22-25, 30-35। ऑल इंडिया रैंकर के पैकेज की शुरुआत ही कहां से होती है? 25 प्लस से। नाउ इट कुड बी 30 लाख्स, इट कुड बी 35 लाख्स, यानी जहां पर आप नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर अगले 5 साल में या 7 साल में पहुंचेंगे ना, यू विल बी 7 ईयर्स अहेड ऑफ नॉर्मल, यू विल बी 7 ईयर्स अहेड एज कंपेयर टू अ नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ यू स्कोर ऑल इंडिया रैंक। तो अगर मैं आपकी जगह हूं ना, मैं पता है आज ही एक कसम खा लूंगा, अपने आप से एक वादा कर लूंगा, प्रवीण क्यों ना 2 साल मेहनत कर ले, अगर मैंने 2 साल मेहनत कर ली तो मैं जिंदगी में 7 साल आगे हो जाऊंगा। डजेंट इट मेक सेंस? मैं वापस से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हैं? दोस्तों ऑल इंडिया रैंक वन को टारगेट कीजिए। जब आप ऑल इंडिया रैंक वन को टारगेट करेंगे ना, तो आपके पढ़ने का अप्रोच ही अलग होगा। एक नॉर्मल स्टूडेंट वर्सेस वो स्टूडेंट जो दिमाग में ये ख्याल लिए बैठा है कि मुझे ऑल इंडिया रैंक वन लानी है, उसके पढ़ने का अप्रोच ही अलग होगा, वो सारी चीजों को डिटेल में समझना चाहेगा, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक वन लानी देन यू हैव टू बी परफेक्ट, कोई कमी आप में नहीं होनी चाहिए। मैं मेरी तरफ से 100% देने को तैयार हूं, क्या आप 100% आपकी तरफ से देने को तैयार हैं? क्या आप 100% देने को तैयार हैं? ओके, तो दोस्तों इसी जज्बे के साथ हम यहां पर हमारी बैच की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एसएफएम का सिलेबस इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, हालांकि मैं समझ रहा हूं कि आप स्टूडेंट्स के मन में कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि आपके जो अटेम्प्टिव 2024-25 में है और आपके ऊपर एसएफएम एएफएम में चेंजेस की काली घटा छाई हुई है कि क्या होगा, इन सारी चीजों को भी हम एड्रेस करेंगे। लेकिन पहले हम यहां पर शुरुआत करते हैं, देखते हैं आखिर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। मैं आपको समझाऊं कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले लें कुछ लोगों से। एसएफएम में 94, 94, ओ माई गॉड 94, एसएफएम में दोस्तों 90+ मार्क्स लाना बहुत आसान है, मतलब इतना आसान नहीं है बट आसान है। एक प्रतिज्ञा तो आप कर लीजिए कि एसएफएम ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि 90+ ही लेकर आएंगे। एसएफएम ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है पूरे सीए फाइनल में, पूरे सीए फाइनल में इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जा सकता है कि हाँ यहां पर मैं कुछ कर पाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस एफआर में नहीं आता, ये कॉन्फिडेंस ऑडिट में नहीं आता,
ऑडिट में कौन बोलेगा कि मैं 90+ लेकर आऊंगा ऑडिट में 90. आप तो जानते हैं कि सीए इंटरमीडिएट में कैसे ऑडिट का पेपर बस निकल जाता है 40, 45, 50 पर, राइट दोस्तों. ऑडिट में नहीं आते, डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं आते हैं 90+. एफआर में बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो नहीं बट बहुत मुश्किल है. इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है हमारे पास जिसमें हम 90+ ला सकते हैं, और ये एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट बन सकता है जो आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स की कमी, एग्रीगेट की जो कमी होती है वो पूरी कर सकता है. तो इस सब्जेक्ट को तो जी जान लगाकर पढ़ना बहुत जरूरी है. ये हमारा मैन ऑफ द मैच रहेगा, यानी कि मैन ऑफ द मैच यार, मैच जीतने के लिए हमें एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो कि सेंचुरी स्कोर कर दे, और ये वही बैट्समैन है. तो इसको आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, सारी डिटेल में, सारी गहराइयों में पढ़ना है, राइट दोस्तों. ये थे हमारे टॉपर्स, ये हैं हमारे ऑल इंडिया रैंकर्स, और ये हूं मैं. दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझाऊं, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो सुन ही रखा है. वॉट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब ये वर्ड सुनते से ही मैं आपसे कोई थियोरिटिकल डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप क्या समझते, दुनिया में क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या क्या ख्याल आता है आपके दिमाग में जैसे ही आप ये वर्ड सुनते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्लीज टेल मी. ओके, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक तो आपने जो इंटरमीडिएट वाली डेफिनेशन बता दी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दोज फंड्स सो एज टू मैक्सिमाइज वेल्थ, राइट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, राइट. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का अगर आपने मुझसे इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है तो मैंने आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया होगा. अभी भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. जब आप कॉस्टिंग पढ़ते हैं ना, तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और जब हम एफएम पढ़ते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. द डिफरेंस इज सिंपल. व्हाट्सएप, व्हाट्सएप दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी है. व्हाट्सएप कभी एडवर्टीजमेंट दिखाता है, कभी आपसे सब्सक्रिप्शन के चार्जेस लेता है, यानी व्हाट्सएप का जो रेवेन्यू साइड है वो क्या है, जीरो. लेकिन एक्सपेंसेस लगते हैं, यस, बहुत बड़ा डेटा सेंटर लगता है, एनालिस्ट लगते हैं, उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लगते हैं, राइट. तो उनका एक्सपेंसेस साइड है, विच मीन्स व्हाट्सएप इज इनटू लॉसेस, यस. लेकिन व्हाट्सएप ने लॉसेस कर करके अपने आप का जाल इतना फैला लिया कि आज मैं जानता हूं कि आप सभी के सेलफोन में व्हाट्सएप है, और सिर्फ आप सभी के नहीं, इंडिया में जितने सारे लोग हैं, मोर देन 70% जो कि टेलीफोन यूज करते हैं, जो कि मोबाइल फोन यूज करते हैं, उनके सेलफोन में व्हाट्सएप है. इनफैक्ट जब हम नया सेलफोन खरीदते हैं तो कुछ सिलेक्टेड फ्यू एप्लीकेशन जो हम सबसे पहले डाउनलोड करते हैं उसमें शुमार है व्हाट्सएप. ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं, ऐसा दुनिया भर में है. और व्हाट्सएप ने अपना जाल इतना फैला लिया कि फेसबुक नाम की कंपनी को मजबूर होकर व्हाट्सएप को खरीदना पड़ा $19 बिलियन में. $19 बिलियन यानी रफली 1,20,000 करोड़ के आसपास होता है, 1,20,000 करोड़ रुपए किन्होंने कमाए, जिन्होंने व्हाट्सएप बनाया और ये बनाकर बेच दिया. वापस से फ्लैशबैक में आइए, 10 साल पहले जब व्हाट्सएप शुरू हुआ था, अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की सोचते, आप लोगों से सब्सक्रिप्शन का पैसा लेते, सपोज 500 रुपीज पर ईयर. अगर 500 रुपीज पर ईयर व्हाट्सएप लेना शुरू कर देगा, क्या हमारे सेलफोन में व्हाट्सएप रहेगा? नहीं, सिंपल, हम उसको डिलीट करके दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे. वी माइट मूव टू टेलीग्राम, हम जाएंगे तो वी चैट पर चले जाएंगे, देर आर हेल लॉट ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल, राइट. तो दोस्तों अगर व्हाट्सएप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करता तो उसके इतने करोड़ों सब्सक्राइबर्स ही नहीं होते, और नहीं होते तो क्या फेसबुक व्हाट्सएप को खरीदने जाता इतनी बड़ी, इतनी मोटी रकम देकर? नहीं, राइट. तो क्या आप डिफरेंस समझते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में? दोनों में से कौन सा नैरो ऑब्जेक्टिव और कौन सा वाइडर ऑब्जेक्टिव है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ वाइडर ऑब्जेक्टिव, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, और हमारा भी लाइफ में जो मकसद होना चाहिए वो होना चाहिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी शॉर्ट टर्म पर ना फोकस करते हुए हमें लॉन्ग टर्म पर फोकस करना चाहिए. और दोस्तों यही कहलाता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब दोस्तों स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैं सबसे पहले आपके सामने सिलेबस यहाँ पर रख रहा हूँ. सिलेबस में मैं आपके सामने एक्चुअली AFM का सिलेबस रख रहा हूँ. आपको ये क्लैरिटी मैं दे दूँ कि अभी ICI ने AFM का नया सिलेबस नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी है वो ये है कि जो SFM का सिलेबस है,
वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है एएफएम में, प्लस देयर आर सर्टेन एडिशंस, जिसको अगर मैं क्वांटिफाई करूं तो इट विल बी कमिंग अराउंड 10% के आसपास एडिशन है, राइट? व्हिच मींस कि हमारा जो एग्जिस्टिंग एसएफएम है वो तो एज इट इज जा रहा है. इनफैक्ट मैं आपको क्लैरिटी दूं तो जब मैंने खुद ने सीए करा था, यानी जब मैंने क्लासेस करी थी, जब मैं सीए फाइनल में था 2003 में, तब भी जो टॉपिक्स थे ना 2003 में, वो आज 2023 में वही टॉपिक है, पोर्टफोलियोज, डेरिवेटिव्स, फॉरेन एक्सचेंज एंड सो ऑन, राइट? तो दोस्तों, क्योंकि वो टॉपिक्स इतने समय से चले आ रहे हैं और वो बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक्स हैं, सो दे आर नॉट गोइंग टू चेंज. इनफैक्ट जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो आप कल्पना कर सकते हो कभी चेंज हो सकते हैं. आप इंटरमीडिएट लेवल पर बताइए, अगर लिवरेज चैप्टर है तो क्या ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे? क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे? कभी भी चेंज नहीं होंगे, राइट? तो दोस्तों, हम यहां पर एज इट इज एसएफएम का सिलेबस पढ़ेंगे, और एएफएम की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि इसके अंदर कौन सा टॉपिक ऐड हो रहा है, वो भी मैंने यहां पर ऐड कर लिया है, राइट? दो चीजें होंगी. इस बैच को पढ़ते पढ़ते अगर नया सिलेबस आ गया तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं, इसी बैच में ही सब कुछ कवर हो जाएगा. बाय चांस कि हमारी बैच खत्म हो गई लेकिन उनका इंतजार करते हुए हम थक गए और अभी तक नया सिलेबस नहीं आया, तो हमारा डिसीजन और ही सही है, उनका इंतजार हम कब तक करेंगे. तो बेहतर है कि हम अभी जो चीज प्रेजेंटली अवेलेबल है वो हम पढ़ लें, और अगर बैच खत्म होने से पहले आ गए अमेंडमेंट्स तो हम हाथों हाथ कवर कर लेंगे, बाद में आए तो फिर वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, राइट? मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ऐसे कोई बहुत मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है, जो एग्जिस्टिंग चीजें उसमें कुछ कुछ लेटेस्ट चीजें और ऐड कर दी गई हैं, राइट? तो मैं जब आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये चीजें भी बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर और एडिशनल हैं जो कि हमें पढ़नी रहेगी, राइट? ओके दोस्तों, जो सीए फाइनल का सिलेबस है ना, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो बहुत समझदारी से आईसीएआई ने डिजाइन कर रखा है. यानी ऐसा सिलेबस डिजाइन किया है जो कि आपके जॉब के साथ भी और जॉब के बाद भी, यानी जॉब के साथ जॉब फ्लोर पर भी आपको जो टॉपिक्स लगने वाले हैं वो यहां पर हैं, और जॉब फ्लोर के बाद आपकी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो टॉपिक्स लगने वाले हैं वो भी हमारे सिलेबस में कवर्ड हैं. हमारे सिलेबस में दोस्तों कॉरपोरेट फाइनेंस भी है, और हमारे सिलेबस में पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड भी टॉपिक है. आप अब डेफिनेटली जानना चाह रहे हैं कि सर आखिर कौन से टॉपिक्स हैं जो कॉरपोरेट फाइनेंस में हमें पढ़ने होंगे और कौन से हैं जो हमें पर्सनल फाइनेंस में पढ़ने होंगे. इन सारे टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन देने के लिए लेट मी गेट यू इनटू अ सर्टेन सिचुएशन. आपका जब भी रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट 2024 2025 में आपने वो अटेम्प्ट दिया, 2 मंथ्स आपने वेट किया रिजल्ट के दिन का, जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है उसके एक दिन पहले नींद नहीं आती क्योंकि अगले दिन रिजल्ट आने वाला है. हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और भगवान, मंदिर, इन सब में हमारा विश्वास एक नई ऊंचाई पर होता है. दोस्तों, हम भगवान के मंदिर गए, प्रार्थनाएं करी, रिजल्ट अनाउंसमेंट की कहीं से खबर लगी, हमने डरे सहमे हाथों से अपना रिजल्ट एक्सेस किया, किसी ऐसे व्यक्ति को बोला हम नहीं ओपन कर रहे हमारा रिजल्ट, किसी ऐसे व्यक्ति को बोला जिसका कि ज्यादा गुड लक है, तो हमने उसको बोला कि प्लीज आप ओपन करें रिजल्ट, और उन्होंने रिजल्ट ओपन किया एंड वी हैव बिकम अ चार्टर्ड अकाउंट. सीए प्रीफिक्स जो हम चाहते थे हमारे नाम के आगे लगे वो अब लग चुका. सीए प्रीफिक्स जैसे ही लगा हमने हंगामा मचा दिया, दुनिया भर में हमने ये अनाउंसमेंट कर दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप स्टेटस, सारी चारों ओर हमारी ख्याति फैल गई. सीए बनने के बाद जिस दिन हम सीए बनते बहुत खुशी होती है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जिस दिन सीए बने ठीक है, अब नेक्स्ट डे जब आप उठते हो तो अब एक नई टेंशन शुरू होती है, और वो नई टेंशन पता ही क्या है, नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब जॉब कहाँ लगेगी, इंटरव्यू कैसा जाएगा, कितने का पैकेज लगेगा एंड सो ऑन, राइट? दोस्तों, आपने जॉब के लिए अप्लाई करा, कैंपस के थ्रू अप्लाई करा, आपने आउटसाइड सोर्सेज के थ्रू अप्लाई करा, लिंक्डइन पर आपने अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाया, कनेक्शन के थ्रू आपको एक कॉल आया, और ये कॉल आया है आपको एक फॉरेन की कंपनी से जो कि इंडिया में अपने ऑपरेशंस एस्टेब्लिश करना चाहती है. ये जो फॉरेन की कंपनी है दोस्तों, इनके 3 वर्टिकल्स यानी 3 बिजनेसेस में काम करते हैं. एक तो ये कुछ एफएमसीजी गुड्स बनाते हैं,
दूसरा ये परफ्यूम्स, सेंट, ये सारी चीज बनाते हैं कॉलेजिन। और तीसरा ये लोग शूज, लेदर शूज ये लोग बनाते हैं, राइट। उन्होंने अपना इंडिया में ऑपरेशंस डालने का बात कही, और उनका जो अभी तक सोच थी वो ये थी कि हम चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और उन्होंने देखा कि ये जो चाइना है यहाँ पर तो कभी भी लॉकडाउन लग जाता है बहुत समय तक और हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिसरप्ट हो जाता है, तो हमें ऐसी सेकेंड रिलायबल लोकेशन चाहिए जहाँ पर हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, और उन्होंने देखा कि वो लोकेशन है इंडिया। अब वो लोग इंडिया में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके लिए वो लोग टीम डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने लिंक्डइन के थ्रू दोस्तों आपको अप्रोच किया, वहां के किसी एचआर ने आपको ईमेल करा और ईमेल पर उन्होंने एक कॉल स्केड्यूल कर लिया। ये कॉल दोस्तों इंटरव्यू का कॉल था, वहां जो भी बिजनेस मैनेजर्स हैं उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया एंड यू गॉट सिलेक्टेड। और सिलेक्टेड होने के बाद जब आप कंपनी के पेरोल पर पहुंच गए मुंबई में, अब वहां पर मुंबई में जॉब में पहला दिन है, जो फॉरेन में बैठे हुए आपके मैनेजर्स हैं अब वो आपको कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल चल रहा है, और वीडियो कॉल में उन्होंने आपसे एक बात पूछी, मिस्टर सी वी वॉन्ट टू स्टार्ट अवर ऑपरेशंस एंड वी आर यू नो इन थ्री वर्टिकल्स, द फर्स्ट वन इज FMCG, द सेकेंड वन इज परफ्यूम्स एंड कॉलेजेंस एंड थर्ड इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर शूज, शेल वी स्टार्ट ऑल थ्री वर्टिकल्स इन इंडिया एट द सेम टाइम और शेल वी गो स्टेप बाय स्टेप एंड स्टार्ट विथ वन ऑफ द वर्टिकल्स? क्या होगा आपका जवाब? तीनों वर्टिकल्स एक साथ शुरू कर दें इंडिया में या फिर एक एक करके, बताइए। अगर आपका 20 लाख का जॉब है ना तो ये 20 लाख का सवाल रहा आपके सामने। हाँ जी, ऑब्वियसली हमें क्या बोलना चाहिए, वी शुड गो स्टेप बाय स्टेप, इतनी भी क्या जल्दी, राइट। हो सकता है हम तीनों एक साथ वर्टिकल लॉन्च करने गए और कोई फेलियर हो गया, राइट, क्योंकि इंडियन सिनेरियो कुड बी डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिनेरियो, राइट। तो क्योंकि इंडियन सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है इसलिए वी शुड स्टार्ट विथ वन ऑफ द वर्टिकल्स, दे सेड ओके, वी वर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग स्टार्टिंग विथ वन ऑफ द वर्टिकल्स, दे सेड आवर स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिकल इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर शूज, हम लेदर शूज बनाते हैं, ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिकल है, सो वी वॉन्ट टू सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर शूज एंड देन वी हैव टू डेवलप आवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन योर शोल्डर्स, यू हैव टू डिसाइड अबाउट टू थिंग्स, वन इज वेयर शेल वी लोकेट अवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वी हैव हर्ड देर आर लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल देर इज नोएडा, देयर इज पीथमपुर, राइट, सो देर आर सो मेनी लोकेशन जहाँ पर कि हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगा सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज कि आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग हाउ शुड वी डिस्ट्रीब्यूट अवर प्रोडक्ट्स, वी हैव हर्ड दैट इन इंडिया देर इज अ कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड विच डजेंट सेल इट्स प्रोडक्ट्स टू थर्ड पार्टीज, इट ओपन्स इट्स ओन रिटेल स्टोर्स, बट देर आर अदर कंपनीज एज वेल, फॉर एग्जाम्पल रिलैक्सो फुटवेयर, राइट, हु डोंट हैव देयर ओन स्टोर्स बट दे सेल इट टू द रिटेलर्स, होलसेलर्स एंड देन दे सेल इट टू द कस्टमर, सो वी हैव टू यू नो डिसाइड अबाउट विच वन सूट्स बेस्ट टू अवर स्ट्रैटेजी। ओके, दो सवाल उन्होंने आपसे पूछे, बताइए कौन से। पहला तो क्या मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करेंगे और दूसरा क्या डिस्ट्रीब्यूशन आखिर कैसे करेंगे। ओके, they also say they also told you see we don't want an instant answer from your video call, we want you to do a proper research and get back to us in next 3 days, call cut। चलो क्या करेंगे, मुंबई में बैठे हैं आप और आपको बताना है कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज का प्लांट आखिर कहाँ लगा है, 20 लाख की नौकरी लगी है आपकी, बताइए अब आप क्या करेंगे रिसर्च में, अब आप क्या करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की लोकेशंस फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या चीजें, मतलब आप बताइए ना क्या क्या चीजें देखेंगे भैया, 20 लाख रुपए का सवाल है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर देखेंगे कि किस लोकेशन पर हमें अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इजीली मिल जाएगी, और अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर के साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी काउंट कर लूँ मैं, क्योंकि रॉ मटेरियल के सोर्सेज के जितने नज़दीक हम होंगे उतना सस्ते में हमें मिलेगा, राइट, उतना फटाफट हमें मिल जाएगा, सप्लाई चेन वाले प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर देखेंगे। और बताइए,
गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्योंकि स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज डिफर कर सकती है। हो सकता है कि अभी कोई गवर्नमेंट हो, सपोज करो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही, तो फिर डेफिनेटली वहां जाना और उनकी सब्सिडीज पॉलिसीज का बेनिफिट लेना। यानी सरल शब्दों में आप कहना चाह रहे हैं कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, कौन सा स्टेट हमारी लोकेशन, हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादा फेवरेबल होगा। और बताइए दोस्तों, कनेक्टिविटी देखेंगे, लॉजिस्टिकल सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉजिस्टिकल सपोर्ट अगर अच्छा हुआ तो चीजें टू एंड फ्रो फटाफट जाएंगी और हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस भी कम होंगी। और बताइए दोस्तों, बहुत अच्छे पॉइंट्स आप बता रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, लैंड की कॉस्ट भी हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, और फिर वो कहाँ सस्ती पड़ रही वो भी हमें देखनी पड़ेगी। अगर आपने मुंबई में देखी जमीन तो डेफिनेटली महंगी पड़ेगी, और क्योंकि वो महंगी पड़ेगी यानी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही इतना बड़ा हो जाएगा, तो डेफिनेटली फिर आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं पर हिट होगी। और यही अगर आपने सस्ती लोकेशन पर जाकर, मैं देखो शूज तो वही मैन्युफैक्चर होंगे जो आपने, मैंने शूज पहन रखे, मुझे भी नहीं पता है कि वो कहाँ बने, वो मुंबई में बने हैं या फिर किसी रूरल एरिया में बने हैं। व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट, एंड वी हैव टू प्रोड्यूस दैट क्वालिटी एट द चीपेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, राइट। तो हम डेफिनेटली लैंड की प्राइसेस देखेंगे, बहुत बढ़िया पॉइंट। और बताइए, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है, यानी इसको मैं ऐसा समझता हूँ कि ये तो सर ये बात हो गई कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर आसानी से हो जाएगी, बट मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब हम डिस्पैच करने लगेंगे तो सर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हम इंडिया से मैन्युफैक्चर करके सिर्फ इंडिया में डोमेस्टिकली सेल करेंगे या फिर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट करने वाले हैं देन वॉट मेक सेंस कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन जो पोर्ट्स वाले एरिया है, जैसे गुजरात में पोर्ट्स है, मुंबई में पोर्ट्स है, वहां पर हो तो काम क्विकली हो जाएगा, राइट। यानी आप समझ रहे हैं कि अब ये जो सारा काम है, जो आपने मुझे पॉइंट्स लिखवाए हैं, इनको रियल में एग्जीक्यूट करने में इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। आपको काफी सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, काफी सारे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू डेटा निकालना पड़ेगा। खूब सारा डेटा आपने निकाल लिया, बट अब आपको डेटा को एनालाइज करना है। सपोज करें कि आपने तीन लोकेशंस सॉर्ट कर ली, वन इज मुंबई कि मुंबई में ही प्लांट लगा ले, अनदर इज नोएडा कि नोएडा में जो अगर प्लांट लगा ले, सारी अलग अलग लोकेशन, एक वेस्ट में है, एक नॉर्थ में है, और तीसरी आपने यहाँ पर मध्य प्रदेश में देख ली, पीथमपुर में भी हम यहाँ पर प्लांट लगा सकते हैं। हाँ जी, अब आप इन तीन लोकेशंस में से एक लोकेशन कैसे फाइनलाइज करेंगे, उसके लिए आप दो फैक्टर्स देखेंगे। एक होते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स, जो आपने देखा स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसा है, लेबर कितना स्किल्ड है, राइट, और दूसरे होते हैं, एक तो मैंने कौन सा बोल दिया अभी, क्वालिटेटिव फैक्टर्स, और दूसरे हमें एनालाइज करने पड़ेंगे क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, यानी कहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, कहाँ पर जमीन हमें सस्ती मिल रही है। दोस्तों ये जो मैं सारी बात आपसे कर रहा हूं ना, ऐसा कुछ आप शायद सीए इंटरमीडिएट लेवल पर पहले ही करते हुए आए हो, हालांकि इतने डिटेल में नहीं, लेकिन कुछ ऐसा कुछ आपने सीए इंटरमीडिएट लेवल पर किया हुआ है कि अगर हमें फैक्ट्री या फिर प्लांट लगानी और उसकी हमारे पास दो लोकेशंस हैं, एक है रूरल लोकेशन है ना, एक ऐसा क्वेश्चन ही किया हुआ है आपने कि अगर हम रूरल एरिया में प्लांट सेटअप करेंगे तो हमें सब्सिडी मिलेगी, ऐसा कुछ आपने, कौन सा था वो चैप्टर दोस्तों, कैपिटल बजटिंग, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर कॉरपोरेट फाइनेंस में जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा, वो है एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल बजटिंग एंड एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग? ओके, कैपिटल बजटिंग और एडवांस कैपिटल बजटिंग में आखिर क्या फर्क है? जब आपने इंटरमीडिएट लेवल पर कैपिटल बजटिंग पढ़ा था ना, तो आपने इन्फ्लेशन को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था। मतलब बेसिकली आपने देखा था कि एक प्रोडक्ट है, उसकी सेलिंग प्राइस इतनी है, दैट्स इट। प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इतनी है, दैट्स इट। लेकिन क्या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कभी कांस्टेंट रही है? सेलिंग प्राइस कभी कांस्टेंट रही है? नहीं, तो आपको इन्फ्लेशन को भी फैक्टर इन करना पड़ेगा, राइट। और इसी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारी चीजें होती हैं कैपिटल बजटिंग में, जैसे कॉन्सेप्ट होता है जो एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग में है, वो है ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। क्या बोल दिया मैंने? ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। आप समझते हैं ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल का मीनिंग यह है कि अगर कंपनी ने एक मशीन खरीदी और मशीन को हम चाहें तो 15 ईयर्स तक खींच सकते हैं। बिल्कुल, आप इसको ऐसे समझे कि अगर आपने एक गाड़ी खरीदी, आपने एक टू व्हीलर खरीदा है, तो आप कितने साल उसको चला सकते हैं? 15 साल, 20 साल भी चला सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उसमें रिपेयर्स की कॉस्ट इतनी
ज्यादा हो जाती कि देन इट मेक सेंस टू रिप्लेस द मशीन। तो आखिर क्या होनी चाहिए ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल, ये आपने कभी नहीं सुना भी नहीं होगा इंटरमीडिएट लेवल पर, वो सारी चीजें दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे। आपने दोस्तों 3 दिन बाद वीडियो कॉल कनेक्ट किया अपने फॉरेन के जो आपके मैनेजर से उनको, और आपने इन तीनों लोकेशंस का कैपिटल बजटिंग टेक्निक लगाकर एनालिसिस किया, जिसमें आपने देखा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा तीनों लोकेशंस पर, मुंबई में कितना जाएगा, पीथमपुर में कितना जाएगा, नोएडा पर कितना, कितना रेवेन्यू फ्लो होगा, कितनी कितनी कॉस्ट लगेगी, क्योंकि ये सारी चीजें डिफर करेंगी। और फाइनली आपने एक नंबर कैलकुलेट कर दिया, क्या करते थे हम कैपिटल बजटिंग में कैलकुलेट, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी एक डिटेल्ड एक्सेल शीट एनालिसिस बनाकर। एंड लेट अस से यू हैव सिलेक्टेड वन लोकेशन, आपने नोएडा लोकेशन आपने सिलेक्ट कर ली, आपने अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिया, क्वालिटेटिव फैक्टर्स रखे उस प्रेजेंटेशन में, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स यानी कि पूरा कैपिटल बजटिंग प्रपोजल का एनालिसिस किया, फॉरेन में जो आपके मैनेजर्स बैठे हुए हैं उन्होंने भी इन सारी चीजों को समझा, टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन हुआ, और एक लोकेशन फाइनलाइज हो गई नोएडा लोकेशन। नोएडा लोकेशन पर अब आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लिया। अब दोस्तों नोएडा लोकेशन पर जब आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लिया, आपने देखा कि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सबसे पहले तो अब हमें काफी सारा फंड रेज करना पड़ेगा। सपोज करें 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, फंड रेज करने के क्या क्या तरीके हैं आपके पास, आप चाहें तो इंडिया से फंड रेज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फॉरेन से फंड रेज कर सकते हैं। अब फॉरेन से फंड जब हम रेज करेंगे तो एक्सचेंज रेट भी पिक्चर में आएगा, फॉरेन की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अलग होगी, इंडिया की डोमेस्टिकली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अलग होगी, ये सारी चीजें दोस्तों हम समझते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, एंड दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने वर्किंग कैपिटल तो पढ़ा होगा, उसका इंटरनेशनलाइज्ड वर्जन हम यहां पर पढ़ेंगे। आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो पढ़ा होगा, उसका इंटरनेशनलाइज्ड वर्जन हम यहां पर पढ़ेंगे, कहां पर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। राइट दोस्तों, आपने नोएडा की फैक्ट्री लगा दी, 1000 करोड़ रुपीज रेज करे, इट टुक 1 ईयर, एक साल में हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनकर तैयार हुआ, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, आपने डोमेस्टिकली उसे सेल करना स्टार्ट कर दिया, और डोमेस्टिकली हमारे प्रोडक्ट का जब हमने फीडबैक लिया कस्टमर से तो बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्शन हुआ। वापस से फॉरेन जो आपके मैनेजर से वहां से कॉल आया, मिस्टर सीए, अब हमें जब हमने डोमेस्टिक मार्केट कैप्चर कर लिया है तो हम चाह रहे हैं कि हम हमारी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस बंद करें और उसका भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हम इंडिया में डाइवर्ट कर दें। लेकिन मिस्टर सीए, जब हम इंडिया में अब इतना सारा प्रोडक्शन करेंगे तो हम उसे डोमेस्टिकली भी सेल करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे, आर देयर एनी रिस्क? यू विल से यस। जो रूटीन रिस्क होती है वो तो है ही है, और इसी के साथ साथ क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो तो फॉरेन करेंसी के फ्लक्चुएशन से रिलेटेड रिस्क भी होती हैं। फॉरेन करेंसी से रिलेटेड फ्लक्चुएशन की जो रिस्क है ना, वो इंडिया में तो फिर भी उतनी फील नहीं होती, क्योंकि इंडियन रुपी फिर भी एक बहुत स्टेबल करेंसी है। लेकिन हमारे पड़ोसी को ही देख लो, पाकिस्तानी रुपया, हमारे एक और पड़ोसी को देख ले, श्रीलंकन रुपया, राइट? मतलब उनकी करेंसी तो अचानक से इतनी वोलेटाइल हो गई, आप समझ रहे हो कैसे एकदम बिजनेस के डायनामिक्स करेंसी के मूवमेंट से चेंज हो जाते हैं। अब आप ऐसा सोचो कि हमने इंडिया से एक्सपोर्ट किया 100 मिलियन डॉलर्स का, जब हमने एक्सपोर्ट किया तब रेट है $1 = 85, लेकिन डेफिनेटली हमें एक्सपोर्ट करते वक्त क्रेडिट टर्म्स एक्सटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारी कंपटीशन भी इंटरनेशनल है, हमारी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी कंपटीशन है और इंडोनेशिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी हमारी कंपटीशन है, तो हमें क्रेडिट टर्म्स एक्सटेंड करनी पड़ेगी, एक्सटेंडेड 4 मंथ्स क्रेडिट टर्म्स। 4 महीने में क्या बदल सकता है, क्या नहीं बदल सकता है? 4 महीने में हो सकता है कि इंडिया चाइना बॉर्डर में कुछ टेंशन हो जाए, और जैसे ये जियो पॉलिटिकल इवेंट्स होने लगते हैं ना, आपकी करेंसी वॉलेटाइल, क्योंकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस एकदम से डगमगा जाता है और अचानक से डॉलर का फ्लो बढ़ जाता है। अब आप सोचो कि अगर डॉलर का फ्लो इधर से उधर होने लग गया तो फिर करेंसी फ्लक्चुएट होने लगेगी। अब ये करेंसी खुदा न खास्ता $1 = 85 की जगह $1 = 70 पर आ गई, पॉसिबल है नहीं? पहली बात तो पॉसिबल तो है, राइट? $1 = 85 की जगह बाय चांस $1 = 70 पर आ गई,
तो हो सकता है कि वो जो 100 मिलियन डॉलर्स आपको मिलने वाले हैं, वो जब मिलने वाले थे तब आपने अपना मार्जिन थोड़ा सा ही जोड़ा था, और 85 के हिसाब से आपने देखा था कि चलो मुझे इतना मिल जाएगा इंडियन रुपीज में, आई विल सर्वाइव। लेकिन जब आपको रियलाइजेशन होगा उन प्रोसीड्स का, तो हो सकता है कि 70 के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो जो मिलेगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम हो सकता है, एंड यू माइट बी इनटू लॉसेस एंड यू माइट बी हैविंग अ ह्यूज आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर। थिंक ऑफ अ बैंक, थिंक ऑफ अ कंपनी हु हैज बोरोड फंड्स फ्रॉम फॉरेन, या फिर इन्वेस्टमेंट कर रखा है फॉरेन में, तो बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको एक और चीज आनी चाहिए, हाउ टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। एक मिनट, सीए क्यों नहीं आएगी तो किसको आएगी? डॉक्टर साहब, इंजीनियर, आर्ट्स, एमए, बीए, बीकॉम, तो किसको आना चाहिए? राइट, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें आना चाहिए कि आखिर फॉरेन करेंसी एक्सपोजर का रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए, वो भी दोस्तों हमारे सिलेबस में शुमार है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, ये मैं सिर्फ सैंपल दे रहा हूँ कि क्या है उस चैप्टर में, सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करके पैसा कैसे कमाना, फॉरेन करेंसी के रेट्स अगर फ्लक्चुएट हो रहे हैं क्या उनमें डिस्पैरिटी आ गई है, यानी कोई मौका है पैसा कमाने का कि इधर से खरीद लिया उधर बेच दिया, सारी चीजें यहां पर कवर होती है। राइट, मैं जस्ट आपको एक सैंपल दे रहा हूं कि हम क्या क्या चीजें यहां पर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, फॉरेन में हमने एक्सपोर्ट्स करना शुरू कर दिया, और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे रिस्क मैनेजमेंट भी आता है, तो फिर हमें कोई टेंशन माथे पर सल नहीं कि अचानक से करेंसी फ्लक्चुएट हो गई तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपने अपने आपके एक्सपोजर को प्रोटेक्ट कर रखा है, वो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ हेजिंग टूल्स होते हैं, वो हम यहां पर समझेंगे। ओके दोस्तों, अब आपको एक्सपेंशन करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छा चल रहा है, नोएडा में आपने एक प्लांट लगा रखा है, और अब आपको उसको कैपेसिटी को डबल करना है, और डबल करने के लिए अगेन आपको फंड्स बोरो करने पड़ेंगे। अभी इंटरेस्ट रेट का सिनारियो, आप तो खैर अभी बहुत सही समय पर आपने बैच ज्वाइन करी है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में आइए, कुछ साल पहले यानी ईयर 2020 की बात कर लें, या ईयर 2021 की बात कर लें, कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत कम थी। आपको ही पता होगा जो बैंक की एफडी, वो मुश्किल से 5 to 6% इंटरेस्ट ही दे रही थी, तब अचानक से आरबीआई और जितनी सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम कर रखी थी। ये मौका था पैसा उठाने का, पैसा उठा लो क्योंकि सस्ते में मिल रहा है। लेकिन आपको उस वक्त थोड़ी ना पता था कि अचानक से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है ना, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर हिट आता है। यस और नो? यस, खास करके ऐसे बिजनेसेस जो कैपिटल इंटेंसिव हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कैपिटल लगा रखी है और बोरो करके लगा रखी है, और अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स 1% भी बढ़ती है, 2% भी बढ़ती है, तो एक बहुत बड़ा हिट हमारे इनकम स्टेटमेंट में पड़ता है, और अच्छी अच्छी कंपनीज नेट प्रॉफिट से नेट लॉस में चली जाती है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको एक और चीज आनी चाहिए, वो होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। क्या बोल दिया मैंने? इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, यानी कल को अगर हमने कहीं से फंड्स बोरो कर रखे हैं और इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज भी होने वाली है, तो भी हम पर आंच नहीं आए, हम इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड रिस्क को मैनेज कर ले। अब अगेन इसे मैनेज करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, है ना, वो उतना सिंपल नहीं जितना सिंपल अभी आप सोच रहे हैं। आप पता है क्या सोच रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं, सर फंड्स रेस करते वक्त हम फिक्स कॉस्ट पर फंड रेस कर लेंगे, फिर चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए हमने क्या करना। लेकिन उस वक्त थोड़े ही ना पता था कि इंटरेस्ट रेट इतनी तेजी से बढ़ने वाली है, पर जैसे ही न्यू इंफॉर्मेशन आए, तो यू हैव टू बी क्विक कि अब मैं अपने एक्सपोजर को किस तरीके से मैनेज करूं। यानी हमारे पास ऐसे जादुई टूल्स हैं यहां पर कि हमने अगर फ्लोटिंग रेट्स पर लोन ले रखे हैं ना, तो बिना उसके साथ डील करे जिससे लोन लिया उससे कैसे लिया हमने, फ्लोटिंग रेट्स पर बिना उससे डील किए हम इस फ्लोटिंग रेट के एक्सपोजर को फिक्स रेट एक्सपोजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि आप बैंक गए, बैंक से आपने होम लोन निकाला फ्लोटिंग रेट पर,
और अब बिना बैंक से कुछ करे आपने बाहर बाजार में कुछ ऐसा किया कि अब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा तो एक्सपोजर फिक्स रेट में कन्वर्ट हो गया। ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों। ये होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? हमारी कंपनी ने खूब तरक्की कर ली, हमारे लेदर शूज चलने लग गए। ये देखकर दोस्तों जो दूसरी शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जैसे बाटा हुआ, रिलैक्सो हुआ एंड सो ऑन, इन्होंने भी अपने एक्सपेंशन प्लान शुरू कर दिए। अब कॉम्पिटिटिव सिनारियो बहुत टफ हो गया, कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो गई। कॉम्पिटिशन जब टफ होती तो सेलिंग प्राइस हर कोई क्रैश करने लगता है, जिससे हमारे मार्जिन्स हिट होने लगते हैं, कुछ कुछ कंपनीज लॉस में भी जाने लगती है। फिर ये स्टेमिना देखा जाता है कि कौन सी कंपनी लॉस में कितना ज्यादा सर्वाइव कर सकती है, राइट? जो जितना ज्यादा लॉस सर्वाइव कर पाएगा वो उतना ज्यादा टिकेगा। ऐसी सिनेरियोज में दोस्तों जरूरत होती है कि अब कंपटीशन को कैसे बीट करें, कंपटीशन को कैसे फेस करें। उसका एक तरीका होता है उठा लो, उठा लो मतलब कॉम्पिटिटर को उठा लो। इसे हम प्रोफेशनली क्या बोलेंगे? अक्वायर कर लो, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, राइट? तो समय समय पर करेक्ट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करने भी बहुत जरूरी। अगर आपने स्ट्रेटेजिक टाइम पर एक स्ट्रेटेजिक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील कर ली तो हो सकता है कि आपकी तरक्की बहुत तेजी से हो जाए। ये दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में सीखते हैं, दैट इज मर्जर्स एक्विजिशंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग। लेकिन जब भी आप किसी कंपनी को अक्वायर करने जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन वर्ड आपके लिए नया नहीं है, आपने इंटरमीडिएट में अकाउंट्स में सुन रखा है, लेकिन वहां जो आपने काम किया है वो आपने परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट नहीं करा, आपको तो लिखकर ही दे दिया था कि एसेट का इतना वैल्यू है, इसका इतना वैल्यू, इसका इतना वैल्यू, इसको उतना पे करना है, बताओ पीसी कितना। लेकिन रियल लाइफ में सोचो कि आपकी कंपनी अगर बाटा इंडिया को खरीदने जा रही तो कितने का चेक हम उनको दें? 15,000 करोड़, 25,000 करोड़, 35,000 करोड़? एंड इट रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस। सो यू शुड, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू शुड नो वन मोर थिंग, एंड दैट इज कॉरपोरेट वैल्यूएशन। हाउ टू वैल्यू अ कॉरपोरेट, हाउ टू वैल्यू अ कंपनी। 1 मिनट नहीं आना चाहिए क्या ये? क्योंकि अगर बाय चांस आपने मिसकैलकुलेट कर दिया और आपने वो कंपनी जिसकी वर्थ सिर्फ 15,000 करोड़ थी और आप उसके 35,000 करोड़ देकर आ गए, 35,000 करोड़, आप उसकी भरपाई करने में आपको 5-7 साल लग जाएंगे, राइट? तो परचेज कंसिडरेशन यानी वैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपनीज का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। दोस्त 10 साल हो गए, 10 ईयर्स हो गए आपको इस जॉब में। इस जॉब में आपने बिल्कुल नींव से शुरुआत करी, यानी आपने कैपिटल बजटिंग कंपनी की नींव आपने रखी, उसका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, फॉरेन में एक्सपोर्ट आपने किया, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट आपने किया, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस भी करवाया, कॉरपोरेट वैल्यूएशंस भी करवाया। आपने कहा बहुत हो गया दूसरों के लिए, खुद का, अब खुद का मुझे कुछ स्टार्ट। एक ऐसा फैक्टर आता है ना यार लाइफ में कि यार खुद का भी कुछ करके देख लो, राइट? तो सिंपल सी बात है, क्या है, जब मैं अमेरिका में था ना तो मैं अमेरिका से वापस जब आया तो मैंने कहा, देखो एक बहुत टफ रहता है डिसीजन अगर आप अमेरिका ऑलरेडी पहुंच चुके, जहां बहुत कम लोग पहले ही पहुंच पाते, वीजा ही नहीं मिलता है। तो अगर आप अमेरिका पहुंच चुके हो और वहां पर जॉब कर रहे हो, आपका डॉलर्स में पैकेज है, आपकी सेविंग्स उतनी है जितना लोगों का यहाँ पर पैकेज रहता है, उससे डबल वहां पर आपकी नेट सेविंग्स हैं, तो वापस से कमिंग बैक टू इंडिया का डिसीजन बहुत टफ होता है। पहले तो ये लगता है कि मैं वापस अगर जाऊंगा तो, मतलब सपोज करो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, सपोज करो मेरी सेविंग्स है 10 लाख रुपीज वहां पर, अब मैं बहुत छोटा नंबर बोल दिया वैसे, 10 लाख रुपीज अगर मेरी वहां पर सेविंग्स है तो उतनी तो इंडिया में होनी नहीं मेरी, उससे 1/4 होनी, 1/3 होनी है। तो मैं बजाय कि 3 साल इंडिया में काम करूं उसकी जगह मैं 1 साल अमेरिका में काम करूं, 2 साल छुट्टी मनाऊं, घर बैठूं कुछ नहीं करना। तो वहां से जब यहां पर आया तो सिर्फ एक ही बात थी दिल में कि प्रवीण खुद का कुछ सेटअप करना। हालांकि रिस्क तो बहुत थी, क्योंकि खुद का कुछ सेटअप करने जाते हो तो हो सकता है आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाए और मतलब कुछ भी हाथ नहीं लगे, राइट? मैंने कहा कोई बात नहीं, एटलीस्ट
ये गम तो नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं है, मैंने ट्राई किया ना, आई एम हैप्पी। और ट्राई करने के बाद अगर मैं फेल भी हो जाऊं तो कोई गम नहीं, यही तो उम्र थी मेरी ट्राई करने की, पर कम से कम ये गम नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई तो नहीं करा, मैंने करा ट्राई। अब नहीं हुआ वो होनी को मंजूर, नहीं था कोई बात नहीं, मैं चुपचाप अपना सारा सामान समेट लूंगा और वापस से मैं जॉब पर, कोई ना कोई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, और तब तक तो मैं सीए सीएफए सीपीए सब कुछ बन चुका था, तो कोई ना कोई तो मुझे नौकरी दे ही देगा। हालांकि उतना नहीं कमाऊंगा जितना मैं अदरवाइज कमाता, उससे कुछ लोअर पैकेज पर जाऊंगा, लेकिन चलेगा। पर एक बार जिंदगी में ट्राई करना था और कर लिया। दोस्तों ऐसा ही जज्बा आपके दिल में भी आया 10 साल बाद, यार खुद का कुछ करना है, जब मैं इतनी बड़ी कंपनी मैनेज कर पा रहा हूं, मेरे अंडर में 1,000 एम्प्लॉयज है, मैं जब उनको चला पा रहा हूं तो फिर मैं काम करूं ना इस कंपनी में, तो मैंने शुरू से ही तो सब कुछ किया है, क्यों ना मैं खुद का कोई स्टार्टअप, कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है आजकल स्टार्टअप, क्यों ना मैं खुद का कोई स्टार्टअप स्टार्ट करूं। आई हैव एन आइडिया। जब आप 10 साल तक रियल फील्ड में जॉब करते हो ना, तो आइडियाज आपके पास आ जाते हैं, बस आपको उन आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना रहता है, फंड्स वंड्स की जरूरत थोड़ी बहुत लगती है। हालांकि 10 साल अगर आपने एक अच्छी जॉब कर ली तो एक डिसेंट अमाउंट हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, कुछ कनेक्शन भी हमारे बन जाते हैं, यानी वैसे हमारा सर्कल हो जाता है कि अगर हमें फंड रेज करने पड़े तो ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, लोग भी हमें जानते हैं, हमारा टैलेंट वो लोग यहां पर इस कंपनी में देख चुके हैं। तो स्टार्टअप्स के केस में गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, स्टार्टअप्स के केस में आप कहां कहां से फंड रेज कर सकते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंजल इन्वेस्टर्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्राइवेट इक्विटी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेंचर कैपिटल। आखिर ये क्या होती है प्रोसेस, क्या होती है राउंड्स ऑफ फंडिंग, ये हम सीखते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, एंड दैट इज स्टार्टअप फाइनेंस, कि आखिर स्टार्टअप्स की फंडिंग कैसे होती है। अच्छा, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना, वो सारे रियल वर्ल्ड में काम में आते हैं। आज की तारीख में अगर आप प्रैक्टिस भी करोगे, और आपके कोई क्लाइंट है जिनका बेटा स्टार्टअप लगाना चाहता है, तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू अप्रोच यू कि वी वॉन्ट टू रेज फंड्स मिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट, बताइए अब हम क्या करें। देन यू यू शुड नॉट गो ब्लैंक कि भाई ये तो पता ही नहीं है। प्लीज स्टार्टअप वाले को ऐसा मत बोल देना कि बैंक में चलते हैं, बैंक कभी स्टार्टअप को लोन नहीं देता, क्योंकि बैंक को चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी और स्टार्टअप तो लॉस में जाता है, राइट। बैंक स्टेबल बिजनेसेस को फाइनेंस करता है, स्टार्टअप्स को फाइनेंस करने वाले लोग अलग होते हैं, वो क्या प्रोसेस होती है वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं स्टार्टअप फाइनेंस में। इज दैट क्लियर। सपोज करें दोस्तों कि आपने एक फिनटेक स्टार्टअप स्टार्ट करा, यानी जैसे पेटीएम हुआ ना, फाइनेंशियल फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, राइट। सो फिनटेक स्टार्टअप हुआ ना, पेटीएम हुआ, गूगल पे हुआ, फोन पे हुआ, राइट। ऐसा कोई स्टार्टअप आपने यहाँ पर स्टार्ट किया, उसके लिए आपको पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए, वेंचर कैपिटल्स कौन है, कैसे उनको अप्रोच करते हैं, इसमें पिच डेक नाम की कोई चीज़ होती है, आपको उनके सामने एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, वो प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट किया जाए, क्या होती है स्टेप, पहली स्लाइड क्या होनी चाहिए, सेकंड स्लाइड क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें हमारे इस चैप्टर के अंदर कवर्ड है स्टार्टअप फाइनेंस, राइट। आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड है सीए फाइनल के एसएफएम या एएफएम का सिलेबस, जो हर एक एक टॉपिक आपको रियल लाइफ में कहीं ना कहीं एस्पेक्ट को टच करेगा। दोस्तों स्टार्टअप आपने स्टार्ट करा, कुछ समय में हमारी तरक्की हो गई, 1 ईयर डाउन द लाइन हमारे अंडर में 70 पीपल काम कर रहे हैं। डेफिनेटली जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, आपका कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में कम होता जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे और जितना काम फैलेगा, उतना आपको ना डेलीगेट करना पड़ेगा वर्क, डिसीजन मेकिंग, आप हर छोटा छोटा डिसीजन आप नहीं ले सकते, यू हैव टू कीप डेलीगेटिंग द वर्क अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तुम। और ऐसे समय में काम आती है एक अच्छी फाइनेंशियल पॉलिसी और एक अच्छी कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी। आखिर फाइनेंशियल पॉलिसीज और कॉरपोरेट स्ट्रैटेजीज कैसे डिजाइन की जाए, वो हम सीखते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी, राइट। ये स्टार्टअप स्टार्ट करने के बाद आपने लोन देने शुरू करे, क्या कर लिया आपने, लोन देना, जैसे पेटीएम भी देता है ना लोन, आपने लोन देने शुरू कर दिए, आपने 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ रुपीज आपने रेज करें, और 1,000 करोड़ के आपने लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, रेज करा आपने फंड 6% पर और आपने लोन दे दी 8% पर, कितना आ रहा है आपका मार्जिन, इंटरेस्ट मार्जिन 2% का आ रहा है इंटरेस्ट मार्जिन, हालांकि उसमें से कुछ खर्चे भी कटते हैं, तो भी हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन सपोज करो कि 0.5% आ रहा है,
1000 करोड़ का 0.5% हमारी ईयरली इनकम होनी शुरू हो गई. बट वी आर अ स्टार्टअप, वी हैव टू कीप एक्सपैंडिंग. और जब हमने 1000 करोड़ के लोन दे दिए हैं तो हमारे पास नेक्स्ट लोन लेने वालों की और वेटिंग है. बट द पॉइंट इज, हम कब तक फंड रेज करते जाएंगे और अपनी बैलेंस शीट को एक्सपैंड करते जाएंगे? क्योंकि बैलेंस शीट जैसे जैसे फैलती जाएगी रिस्क भी तो बढ़ेंगी. इधर एसेट्स जरूर बढ़ रही है, हम जिनको लोन दे रहे हैं वो हमारी एसेट्स हैं, बट जिनसे हम पैसा रेस कर रहे हैं वो हमारी लाइबिलिटीज है. अगर इनमें से कुछ लोगों ने पैसा डुबा दिया तो हम लाइबिलिटी साइड को नहीं कह सकते कि वो कुछ लोगों ने पैसा डुबाया तो अब हम आपका भी डुबा रहे. नहीं, हमारे रेपुटेशन, हमारी साख, हमारी क्रेडिट रेटिंग पर सवाल उठ जाएंगे. देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सिक्योरिटाइजेशन. नाम तो सुना होगा, सिक्योरिटाइजेशन. सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में दोस्तों बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारी एसेट्स हैं, ये जिनको हमने लोन दे रखे, इनका हम एक पैकेज बनाते हैं. सपोज करो 100 करोड़ के जो हमने लोन दे रखे हैं उसका हम एक पैकेज बनाएंगे और ये पैकेज उठाकर किसी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को हैंड ओवर कर देंगे. पूरी प्रोसेस डिटेल में तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे, बट दी ओवरऑल स्ट्रेटेजी इज कि जो हमने लोन दे रखे हैं उन लोन का एक पैकेज बनाओ और ये पैकेज किसी और को दे दो और इस पैकेज की जो डिस्काउंटेड वैल्यू है वो आज रिसीव कर लो. यू विल हैव कैश. नहीं समझे, एक बार और फिर से समझ रहे हो? राइट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट रखो आप तो दिमाग में. बैलेंस शीट 1000 करोड़ आए, 1000 करोड़ के सपोज हमने लोन दे दिए, बट अब दुकान बंद करके तो नहीं बैठ सकते. सॉरी, हमारा जो सारा पैसा आया था हमने लोन में बांट दिया. वी हैव टू कीप एक्सपैंडिंग. हमने क्या करा, इस 1000 करोड़ में से 100 करोड़ के लोन्स का एक पार्सल, एक पैकेज बनाया और ये पैकेज हमने किसी एक व्यक्ति को दे दिया. कैसे दिया? उसको ये बोलकर दिया कि देखो आज ये 100 करोड़ का है, लेकिन इससे फ्यूचर में जो कैश फ्लोज मिलेंगे वो 100 करोड़ मिलेंगे या उससे ज्यादा मिलेंगे? फॉर ऑब्वियस रीजन, विथ इंटरेस्ट ज्यादा ही मिलेगा. यस. तो हमने क्या करा कि हमने जो लोन बांटे थे उसमें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट इनबिल्ट है. हमने सामने वाले से बात कर ली कि आपको 7.5% रिटर्न मिलेगा. कितना रिटर्न मिलेगा? 7.5% रिटर्न. तो हम इन फ्यूचर के सारे कैश फ्लो जो 8% से बढ़कर दिख रहे हैं उनकी डिस्काउंटिंग किससे कर रहे हैं? 7.5% से. कॉमन सेंस से बताइए कि अब जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो 100 करोड़ आएगी, उससे थोड़ी सी कम आएगी या थोड़ी सी ज्यादा? थोड़ी सी ज्यादा. देखना प्रेजेंट वैल्यू क्यों ज्यादा आएगी. आज इसकी वर्थ कितनी है? 100 करोड़. फ्यूचर में जो कैश फ्लोज मिलने वाले हैं वो 8% इंटरेस्ट जुड़कर मिलने वाले, यानी अमाउंट बढ़ कितने से रहा है? 8% से. लेकिन आप उस अमाउंट को पुल बैक किससे कर रहे हो? 7.5% से. इतना सिंपल सोचो कि आज 100 रुपए हैं, कल मुझे 108 रुपए मिलने वाले, 100 के बदले में मुझे 108 मिलने वाले, बट 108 की जब मैं डिस्काउंटिंग 1.075 से करूंगा, 7.5% इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1+r^n, सही बोला ना? हाँ. तो 108 को जब मैं 7.5% से डिस्काउंट करूंगा तो बताऊ ना प्रेजेंट वैल्यू 100 आएगी उससे ज्यादा? ज्यादा. मैंने क्या करा, मेरे जो 100 करोड़ का लोन का पैकेज था ना वो मैंने सेल कर दिया 102 करोड़ में. सपोज ऐसे मैंने कुछ नंबर ले लिया, 105 करोड़ में सेल कर दिया, मुझे इंस्टेंट प्रॉफिट हो गया कितने का? 5 करोड़ का. और अब मैं वापस से इससे रिफाइनेंसिंग कर दूंगा, नए लोगों को लोन दूंगा, वापस से उनको लोन देने के बाद उनका पार्सल पैकेज बनाऊंगा और शिफ्ट करते चले जाऊंगा. यस, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि ये लोन का पार्सल खरीद लेते हैं. ये होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स, ये होते हैं हेज फंड्स. एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिक्योरिटाइजेशन. इज दैट क्लियर? मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन. और अगर आपने फिनटेक स्टार्टअप किया है तो आपको सिक्योरिटाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कब तक आप अनलिमिटेड समय तक बोरो करते चले जाएंगे? दिस इज येट अनदर वे टू रेज द फंड्स. जो आपने लोन दे रखे हैं आप उन्हीं लोन के पार्सल को बेच दो. एक मिनट सर, कस्टमर बोलेगा ना हमने तो आपसे लोन लिया, आपने उनको, कस्टमर को तो पता भी नहीं चलेगा. कस्टमर उसकी इंस्टॉलमेंट हमें ही जमा करवाएगा, हम ही इंस्टॉलमेंट उधर पास ऑन कर देंगे, क्योंकि अब इंस्टॉलमेंट रखने का हमें कोई हक नहीं. हम ये पूरा का पूरा लोन का पोर्टफोलियो उसे सेल आउट
कर चुके हैं, कस्टमर तक बात भी नहीं जाएगी और बात जानी भी नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास, वो जैसे इंस्टॉलमेंट देगा वो इंस्टॉलमेंट उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। ही इज अर्निंग 7.5% रिटर्न विच इज सपोज गुड फॉर हिम, और ये जो 0.5% डिफरेंस है वो हमने कमा लिया, बट फायदा ये हुआ कि कैश वापस से आ गया जिसको वापस से हम फाइनेंसिंग पर लगा देंगे। इज दैट क्लियर? दैट्स द वन ऑफ द वे टू ग्रो योर बिजनेस, सिक्योरिटाइजेशन, राइट। ये सारे जो टॉपिक्स है दोस्तों, ये हमें काम में आते हैं हमारे कॉरपोरेट फाइनेंस में। कॉरपोरेट फाइनेंस में यानी अगर हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो पिछली वाली स्लाइड थी, अगर हम अपने आप के लिए काम कर रहे हैं तो ये वाली स्लाइड है। कुल कितने टॉपिक्स हो गए? देयर आर 8 टॉपिक्स जो कि हमें कॉरपोरेट फाइनेंस में पढ़ने हैं। पैसा आपने कमाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, पैसा कमाने के बाद पिक्चर में आता पर्सनल फाइनेंस। ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा आज। आप सीए बन गए, सीए बनने के बाद आपकी जॉब लग गई। सपोज करो कि आपका पहला पैकेज लगा 15 लाख, एक नॉर्मल सा पैकेज ले लेता हूं मैं ना, 15 लाख रुपीज का हमारा पैकेज, 15 लाख रुपए का पैकेज यानी 1.25 लाख रुपए महीना ना, हाँ मतलब 1,25,000 पर मंथ। हालांकि ये ग्रॉस होता है, इसका नाम ही पैकेज होता है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रहस्य बनकर जब जॉब में जाते निकलती है। 1,25,000 हमारा ग्रॉस पैकेज है, उसमें से तरह तरह की चीज़ें डिडक्ट होंगी और हम देश के कैसे ईमानदार नागरिक होंगे जो कि पूरा पूरा टैक्स भी पे करेंगे। तो 1,25,000 में से डिडक्शंस काफ़ी सारी होंगी आपको वहाँ पर। जब आप सपोज करो मुंबई में रहेंगे तो फ्लैट का किराया भी आपको बहुत सारा देना पड़ेगा, खर्चा भी आपका बहुत सारा होगा, फिर भी नेट नेट देखो कुछ तो सेविंग्स होंगी। सपोज करें कि 1,25,000 में से हमारा 75,000 खर्चा हो जाता है, सपोज 75,000 खर्चा हो जाता है तो भी मंथ के एंड में कितने बच जाएंगे? 50,000 रुपीज बच जाएंगे। हालांकि जो पहले मंथ की सैलरी होती है वो बचती नहीं है, बहुत सारे हमारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारे अरमान होते हैं जो फर्स्ट मंथ की सैलरी से पूरे होते हैं। हमें सबसे पहले ऐसा लगता है यार ये जो पहली पहली कमाई, ये मेरी पहली कमाई है सीए बनने के बाद की, तो क्यों ना मैं पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने इतना सब कुछ मेरे लिए करा, मुझे पढ़ाया लिखाया उन्होंने, कई बार मेरी एग्जाम थी तो वो लोग जागे, उन्होंने मॉरल सपोर्ट मुझे दिया, हर तरह का यथासंभव उन्होंने सपोर्ट दिया, तो क्यों ना मैं मेरी पहली सैलरी से उनके लिए कुछ करूँ, गिफ्ट खरीदूँ एंड वॉट एवर, राइट। तो हमने दोस्तों मम्मी पापा के लिए पहली सैलरी से कुछ खरीदा। इसी के साथ साथ हमारे यार दोस्त भी होते हैं जिनको हम काफी समय से टाल रहे होते हैं। सीए फाउंडेशन जब पास हुए थे, दोस्त आया, उसने हमें गले लगाया और बोला भाई पार्टी। हमने बोला भाई ये तो सिर्फ सीए फाउंडेशन है, अभी इंटरमीडिएट निकले जब बात है। इंटरमीडिएट निकल गया, वो आया, उसने गले लगाया, उसने बोला भाई पार्टी। हमने कहा ये तो इंटरमीडिएट था भाई, सिर्फ फाइनल किसको कहते तुझे? फाइनल में पास हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। दोस्त आया, फिर से जोर से गले लगाया और उसने बोला आप तो भाई की पार्टी बनती है। भाई ने फिर से कहा भाई अभी तो सीए बने हैं, जेब में पैसे कहाँ हैं, जॉब तो लग जाने दे। जॉब लग गई, इंटरव्यू का कॉल आया, जॉब पक्की हो गई भाई। दोस्त आया, उसने फिर से गले लगाया और बोला भाई पार्टी। हमने कहा अभी तो जॉब का ऑफर लेटर आया है, पैसे थोड़े ही ना आए। उसने कहा ठीक है भाई मुंबई ज्वाइन कर। ज्वाइन करने के बाद जैसे ही पहला महीना पूरा होगा 30 तारीख आएगी, तेरा भाई तेरे फ्लैट पर आएगा और अब तुझसे मुंबई में ही पार्टी लेगा। तो हमारी पहले मंथ की सैलरी यहाँ पर पार्टी शार्टी में निकल गई। सेकेंड मंथ आया, थर्ड मंथ आया, 50,000 50,000 50,000, ऐसे करके अमाउंट इकट्ठे होते गए। कुछ 5 से 6 महीनों में हमारे पास 3 से 4 लाख रुपए का बैलेंस आ गया। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दैट? 3-4 लाख रुपए का आप क्या करेंगे? सेविंग बैंक अकाउंट में रखेंगे, 2-3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज वे लेस देन द इन्फ्लेशन रेट। क्या करेंगे दोस्तों आप? इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट की कुछ एवेन्यूज मुझे बताइए ना, कहां कहां हम ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? इक्विटी यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं यानी कि बॉन्ड्स खरीद सकते हैं हम, सपोज गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, और म्यूचुअल फंड्स आपने बताया। हम फॉरेन करेंसी में भी पैसा लगा सकते हैं, बिल्कुल आपने सही बात बोली। मेरे पास एक्चुअली $100 का नोट रखा हुआ है। वो $100 का नोट जब मैं अमेरिका में था ना 2010 में, जब वापस आए, मैं साथ में यादगिरी के रूप में $100 का नोट लेकर आया, दैट इज एक्चुअली माय इन्वेस्टमेंट। जब मैं अमेरिका से आया था तब $1 = 40 था, आज $1 =
85 है, सो माय 4000 इन्वेस्टमेंट हैज ग्रोन टू 8500। सो फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना भी एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू हो सकता है, हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, और बताइए क्या क्या इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है। कमोडिटीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी गोल्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड कॉइन 10 ग्राम का सिक्का, और सिल्वर बार्स भी हम खरीद सकते हैं। और क्या क्या इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हो सकते हैं, प्रॉपर्टी, जमीन, यस ओके, रियल एस्टेट, या फिर रियल एस्टेट फंड्स नाम की भी कोई चीज आजकल होती है, राइट? तो देर आर सो मेनी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, किसी एक ही जगह पर, सपोज करो आपने डिसाइड करा कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा, क्या आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई सिर्फ किसी एक कंपनी के शेयर में लगा देंगे? Diversification, right? So what you are going to do with your first salary is you are going to construct a portfolio. How to construct a portfolio? कैसे select करें कि किस company का share लें, कब लें, कितना लें, कब उसे sell करें, कितने में सेल करें। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर, राइट? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, राइट? दोस्तों जैसे ही ये बात आए कि पोर्टफोलियो बनाना है, देन यू हैव टू सर्च फॉर द स्टॉक्स कि किस कंपनी का स्टॉक खरीद। देयर आर सो मेनी कंपनीज, राइट? रिलायंस में पैसा लगा सकते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर में पैसा लगा सकते हो, कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में पैसा लगा सकते हो, टाटा मोटर्स के शेयर में पैसा लगा सकते हो, बट हम वो नॉर्मल कैटेगरी नहीं रहेंगे जो कि टिप्स पे विश्वास करते हैं। टिप आई कि रिलायंस का शेयर खरीद लो, इतने में खरीद लो, ये रहा टारगेट, ये रहा स्टॉप लॉस। नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट यार। क्या आपको सीए हो भाई आप, और जो आपको टिप दे रहा है ना वो सीए नहीं है, वो एक्चुअली बीकॉम है। आपको बताएं जितनी सारी टिप वाले, और हम तो इंदौर से हैं तो हमें तो और ही आइडिया है। तो ये जो बीकॉम वाले रहते हैं ना, ये लोग पूरा का पूरा, इनके पास डेटाबेस रहता है कौन लोग यंग क्राउड है, उनको हमें टारगेट करना, और उनको टारगेट करते हुए हमें टिप देनी है। टिप क्या देनी है आपको तो खैर पता ही होगा, आपने बहुत बार सुन रखा होगा, अब तो इतनी कॉमन हो गई कि आधे लोगों को बाय कॉल दे दो, आधे लोगों को सेल, दोनों में से एक तो होगा ही, से शेयर मार्केट है, या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा। मान लो बढ़ गया तो जो सेल वाले उनका डेटा हटा दो, डिलीट कर दो, पर जो बाय वाले उनको कॉल करो कि देखो सर हमने टिप दी थी और ये बढ़ गया। फिर से जो बचे हुए 50% लोग हैं उनको एक और टिप दो, ONGC का शेयर आधों को बोलो खरीद ले, आधों को बोलो बेच दे, या तो बढ़ेगा या फिर गिरेगा। फिर से डेटा, पर हमारे पास डेटाबेस ही कितना स्ट्रांग होगा। सपोज हमारे पास 1 लाख लोगों का डेटाबेस है, फिल्टर होकर करे 50,000, फिल्टर होकर करे 25,000, फिर से फिल्टर 12,500, तो भी 12,500 लोगों से भी अगर हमने 10-10,000, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, राइट? हमें ऐसे स्कैम में नहीं आना है, आपको खुद का एनालिसिस करते आना चाहिए। कैसे एनालाइज कर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एनालिसिस नहीं आएगा तो किसको आएगा एनालिसिस? क्योंकि आप लोग डॉक्टर हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जांचना, पढ़ना, एनुअल रिपोर्ट्स को एनालाइज करना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से अच्छा कोई MBA भी नहीं कर सकता, क्योंकि MBA को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS, US GAAP, INDAS, इनका नॉलेज ही नहीं होता, ये सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही जानता है। और आप तो इतने सारे ऑडिट्स कर चुके हो, आपने तो इतने सारे बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन किए हुए हैं, तो आपको भी पता है कि लास्ट मोमेंट पर क्या क्या ट्रिक्स प्ले की जा सकती है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर आपकी नज़रें वैसे भी इन्वेस्टिगेटिव भी होंगी, राइट? तो दोस्तों आखिर सिक्योरिटीज़ का एनालिसिस कैसे किया जाए, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाए, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाए, इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। सर हम यहां पर टेक्निकल एनालिसिस भी सीखेंगे। हाँ सीखेंगे, बट आपको उसको अप्लाई अभी नहीं करना है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सीखना आसान है, उसको अप्लाई करने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी सिचुएशंस आपके पास होनी चाहिए। ये बिल्कुल आप ऐसे समझें, जब एक नया व्यक्ति डॉक्टर बनता है ना, तो उसके पास डिग्री तो होती है, लेकिन डॉक्टर में सही से डायग्नोज करना और करेक्ट प्रेस्क्रिप्शन लिखना ये एक्सपीरियंस से ही आता है। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना आसान है, उसे छोटे 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 अमाउंट पर लगाकर एक्सपीरियंस बहुत सारा गैदर करना पड़ता है, 2 इयर्स 3 इयर्स, और फिर उसके बाद हम उसको बड़े लेवल पर लेकर जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो शेयर मार्केट में पैसा ही नहीं लगाते हैं, बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। किसमें? बॉन्ड्स में।
और बॉन्ड्स में जो आप सोच रहे हो ना कि कितना रिटर्न मिलता है, जो मतलब कितना रिटर्न मिलता होगा बॉन्ड्स में, सर 7%, 8%, बहुत से बहुत हो गया तो 9%, खूब हो गया तो कितना, 10%। यू कैन मेक 20% रिटर्न इन बॉन्ड्स, यू कैन मेक 30% रिटर्न इन बॉन्ड्स, क्योंकि जब आप बॉन्ड में पैसा लगाते हो तो सिर्फ ब्याज नहीं कमाते हो। एक बात समझना दोस्तों, हम बहुत सही मौके पर हमने ये बात शुरू की है। अडानी पर हिंडनबर्ग नाम की एक रिसर्च कंपनी है यूएस में, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली कि अडानी में बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है और शेल कंपनीज एंड सो ऑन, राइट। ऐसा कुछ तो सुना ही होगा आपने, भले ही आप शेयर मार्केट में नहीं हो, पर अडानी के शेयर गिरे तो ये तो लोकल न्यूज़पेपर में भी खबरें छप गई, तो अपने को इतना पता है कि अडानी के बहुत शेयर्स गिरे। सिर्फ अडानी के शेयर्स गिरे या बॉन्ड्स भी गिरे, बॉन्ड्स जिससे उन्होंने फंड्स, बॉन्ड्स गिरे का मतलब है कि बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू सपोज करो 1000 थी, वो गिरकर हो गया 800, वो गिरकर हो गया 700, वो गिरकर हो गया 600। अब अगर आपने करेक्ट टाइम पर वो बॉन्ड्स पिक कर लिए, एंड प्रोवाइडेड कि वो जो बॉन्ड्स है दे आर वर्थ इट, राइट, तो अगर आपने उन बॉन्ड्स को पिक कर लिया सपोज करो 600 में, और उन बॉन्ड के प्राइसेस बढ़कर हो गए 700 या बढ़कर हो गए 800, 600 से हो गए 800, 200 कमाए ऑन द बेस ऑफ 600, 33% रिटर्न यू हैव मेड। तो बॉन्ड्स में प्लीज ऐसा गलत कभी मत सोचना कि सिर्फ बॉन्ड में पैसा लगाऊंगा तो ब्याज कमाऊंगा, बॉन्ड की प्राइसेस होती है फ्लक्चुएट, तो उस फ्लक्चुएशन से पैसा कमाया जा सकता है। हालांकि ये तो डिफॉल्ट रिस्क की वजह से फ्लक्चुएट हुई है, लेकिन इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जब इकोनॉमी में चेंज होता है ना तो भी बॉन्ड की प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है, तो अगर आपने करेक्टली इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पकड़ लिया तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। उसका सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सपोज करो कि आज की तारीख में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 9%, तो आज अगर कोई कंपनी बॉन्ड इश्यू करेगी तो कितना इंटरेस्ट प्रॉमिस करेगी, 9%। सपोज सपोज 9% चल रहा है, 9% ही प्रॉमिस करा, 1000 रुपीज में उन्होंने बॉन्ड इश्यू कर दिया, 9% इंटरेस्ट उन्होंने प्रॉमिस करा, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी में 9% चल रहा है। आपने जो मैक्रो इकोनॉमिक आपका एनालिसिस था, आपने एक चीज पकड़ ली कि बॉस 9% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट टिकने वाली नहीं है ज्यादा दिन, क्योंकि अगर 9% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट टिक गई ना, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, क्योंकि एक्सपेंशन करने में इतने महंगे कॉस्ट ऑफ फंड में कंपनी पैसा थोड़ी ना उठाएगी, गवर्नमेंट का जो बोरोइंग प्रोग्राम है गवर्नमेंट को भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। आपने करेक्ट प्रेडिक्शन कर लिया कि पक्का ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स ये 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर आ जाएगी। सपोज करो कि 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी इकोनॉमी में चल रही वो कितनी हो जाती है, 6%, राइट। आपको क्योंकि ये पहले से ही पता था तो आपने उस 9% इंटरेस्ट देने वाले बॉन्ड को सब्सक्राइब कर लिया, और जब सब्सक्राइब करा तब आपने 1000 ही दिए। अपने कॉमन सेंस से बताना, दो सवाल पूछूंगा, पहला तो ये कि क्या जो बॉन्ड आपने खरीदा है आपको अब उस पर 6% ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कंपनी बोलेगी क्योंकि अब तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो हम कम देंगे, या 9% तो प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट रेट था, प्रॉमिस्ड था तो आपको कितना ही मिलेगा, 9%। दूसरा सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप ये बॉन्ड अब बाजार में बेचने जाओगे, बॉन्ड मार्केट में आप इसे सेल करने जाओगे, तो ये बॉन्ड 1000 में ही बिकेगा, 1000 से कम में बिकेगा या 1000 से ज्यादा में बिकेगा, ज्यादा में बिकेगा, राइट। इसलिए ज्यादा में बिकेगा क्योंकि आज जो नए बॉन्ड इश्यू हो रहे हैं वो तो 6% इंटरेस्ट ही प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक बेशकीमती बॉन्ड है जो कितना ब्याज देता है, 9%, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू आज ज्यादा होगी। एनीबडी विल से अरे वाह, 1000 में नॉर्मल बॉन्ड मिल रहा है, उसकी बजाय अगर 1010 में, सपोज छोटा नंबर ले लिया मैंने, 1010 में बॉन्ड मिल रहा है, तो व्हाई शुडंट आई गो फॉर दिस बॉन्ड। यार 1000 देकर 6% कमाओगे उसके बजाय 1010 देकर, हाँ तो पर 1010 भी मैंने छोटा नंबर बोल दिया, तो क्या बॉन्ड में सिर्फ ब्याज की कमाई होती है, आप प्राइजेस के डिफरेंस भी कमा सकते हैं, प्राइजेस के डिफरेंस भी कमा सकते हैं, तो बॉन्ड मार्केट में भी कमाई है अगर आपने इंटरेस्ट रेट साइकिल को करेक्टली प्रेडिक्ट कर लिया तो। और ये वाली चीज कहीं ना कहीं आपको सी इंटरमीडिएट के इकोनॉमिक्स में भी थी, वो मनी मार्केट ऑपरेशंस में कुछ ऐसा। हाँ ओके, मैंने अपने, हम तो यहाँ पर सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों आखिर बॉन्ड्स का पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज किया जाए हम वो यहाँ पर सीखने वाले हैं। स्टॉक मार्केट NSE BSE कितना टर्नओवर है इनका डेली का, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, या ये कुछ नहीं लग रहे अमाउंट जो मैंने बोले,
ये कुछ नहीं लग रहे, इतना टर्नओवर तो अकेले अकेले रिलायंस के शेयर में हो जाता है। लाखों करोड़ का टर्नओवर होता है शेयर मार्केट डेली बेसिस, और वो जो टर्नओवर होता है ना वो वहां होता है जिसे हम स्टॉक मार्केट जानते हैं ना, वहां नहीं होता है। जिसे हम नहीं जानते हैं कि अच्छा स्टॉक मार्केट में ये भी होता है, वहां ये सारा टर्नओवर होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स, एफ एंड ओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आप तो आज के जमाने के बच्चे, आपको पता ही होगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नाम की कुछ चीज होती है, राइट? दोस्तों जो स्टॉक मार्केट में टर्नओवर होता है ना, उसका सिर्फ 10% टर्नओवर होता है। वहां जो हम शेयर मार्केट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, शेयर मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी कैन बाय एंड सेल द शेयर्स, वो बाइंग एंड सेलिंग द शेयर्स में तो सिर्फ 10% ही टर्नओवर होता है। 90% टर्नओवर पता है शेयर मार्केट का कहां होता है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में। तो क्या अब ये जरूरी नहीं है कि हमें वो समझ में आए क्या है, क्या है डेरिवेटिव्स, क्या है फ्यूचर्स, क्या है ऑप्शंस, क्या है कॉल ऑप्शन, क्या है पुट ऑप्शन, उसकी प्राइसिंग आखिर कैसे तय होती है, राइट? बाय चांस अगर आप में से कुछ लोग अभी ट्रेड भी कर रहे होंगे तो आपको ऑप्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करते नहीं नहीं आती। आपको तो बजार में जो दिख रहा है कि ऑप्शन चल रहा है 30 रुपए का, बस आप उसको ही सही मान लेते हो। तो दोस्तों ये सारे वैल्यूएशन आखिर कैसे होते हैं वो हम सीखते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, डेरिवेटिव्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। और उसमें कुछ कुछ कमाई के खास मौके होते हैं, जैसे आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटीज होती है। आर्बिट्रेज वर्ड नहीं सुन रखा, कोई दिक्कत नहीं, बट आर्बिट्रेज में ऐसा कहते हैं कि खुद का कुछ पैसा भी नहीं लगता, इधर से आया इधर गया, और रिटर्न भी कंफर्म गारंटीड मिलता है। तो आप ऐसी चीजें नहीं सीखना चाहेंगे क्या, जिसमें पैसा भी नहीं लगे और रिटर्न भी कैसा मिले, गारंटीड? वो कैसे करते, वो सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे डेरिवेटिव्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन में, राइट? बाय चांस दोस्तों अगर आप जॉब कर रहे हैं, पैसा आपके पास इकट्ठा हो रहा है, लेकिन आपके पास अपना खुद का फंड मैनेज करने का समय नहीं है, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल, तो फिर डेफिनेटली आप पैसा कहाँ लगाएंगे, म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे। ऐसा कहते हैं कि अगर आपको शेयर मार्केट की समझ कम है ना, तो आपको शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, उसकी वजह आपको किसको पैसा दे देना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स वालों को पैसा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हें शेयर मार्केट की समझ है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि म्यूचुअल फंड भी तो इतने सारे हैं, मैं उनमें से कैसे सिलेक्ट करूं, और अगर मुझ में इतनी समझ है कि मैं उनको कैसे सिलेक्ट कर लूं, तो फिर तो मुझ में ये भी समझ है कि मैं कंपनी से सिलेक्ट कर लूं, राइट? तो बट फिर भी म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको पैसा लगाना है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स विच आर अवेलेबल, सबकी अलग अलग स्कीम होती है, राइट? तो आखिर म्यूचुअल फंड्स की दुनिया क्या है, म्यूचुअल फंड्स को कैसे सिलेक्ट करें, उनकी परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करें, दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन म्यूचुअल फंड्स चैप्टर। समझ आ रही है आपको सारी चीजें? वो है जो प्रैक्टिकल टच करेगी आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं ये चीजें काम में आने वाली। मतलब मुझे नहीं पता है कि आपको एफआर काम में आएगा या नहीं, पर मुझे ये जरूर पता है कि आपको ये काम में आएगा। आप जॉब करोगे तो भी काम में आएगा। अरे आपकी अगर ऑडिट में ही जॉब लग गई, चलो ऑडिट में आपने पीडब्ल्यूसी में जॉब ज्वाइन कर ली, ऑडिट करोगे आप दिन भर, पैसा तो कमाओगे, पैसा कमाओगे क्या करोगे, इज दैट क्लियर, राइट? तो आप जॉब करो तो भी ये काम में आने वाले, आप प्रैक्टिस करोगे तो भी ये काम में आने, आप इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करो तो भी पैसा तो कमाओगे ना। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप मुझे जिंदगी भर याद करो। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो होती है रिस्क मैनेजमेंट, वो होती है रिस्क मैनेजमेंट। आप में से कुछ लोग जो भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, आप लोग T20 के फैन हैं, आप क्या सोचते हैं कि मैंने 10,000 रुपीज अगर ब्रोकर को ट्रांसफर करे, जो शेयर मार्केट में अभी पैसा लगाते, मैं उनसे बात कर रहा हूं, 10,000 रुपीज आपने अपने ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर करे, आपकी क्या सोच रहती पता है? 10 के 20 कब होंगे, कितनी फटाफट होंगे, 3 महीने, नहीं ज्यादा हो गया, 1 महीने में मुझे 10 का क्या चाहिए, 20। आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो शेयर मार्केट में, लेकिन ये शेयर मार्केट T20 नहीं है। यहाँ पर जो T20 स्टाइल में आता है उसका विकेट जल्दी गिरता है। शेयर मार्केट एक टेस्ट मैच है, शेयर मार्केट का एक टेस्ट मैच है जिसमें कि आपको टिके रहना है। अगर आप विकेट पर टिके रहे तो रन अपने आप बनेंगे दोस्तों। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर आपने 100 सक्सेसफुल ट्रेड्स भी करे, 100 सक्सेसफुल ट्रेड कर लिए, बट अगर एक गलत ट्रेड कर लिया, आपने रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करा, तो आपकी सारी कैपिटल वाइप आउट।
हो सकती है। तो रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैं जब खुद का भी पोर्टफोलियो लगाता हूँ तो व्हाट आई फोकस मोर ऑन इज रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, कि प्रवीण जो पैसा लगा है ना वो सेफ रहे, रिटर्न अपने आप आते हैं, रिटर्न्स अपने आप आते हैं। देखो यार सिंपल सी बात है, आप क्रिकेट खेल रहे हो और विकेट बचा हुआ है ना, रन अपने आप आएंगे। और कौन सा भी आपको ये 20 साल की कच्ची उम्र में ही इतना सारा पैसा कमाना है, आप तो अभी 20 ईयर्स की एज में हो, आपको तो 60 ईयर्स तक भी पैसा लगाना है, 70 तक भी पैसा लगाना है, तो आप T20 स्टाइल में क्यों जाएंगे? आप जाएंगे ना धीरे 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 धीरे, आता जाए आता जाए आता जाए। इज दैट क्लियर? राइट, तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए वो हम यहाँ पर सीखेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। राइट दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें हमारे SFM के सिलेबस के अंदर पढ़ने, बहुत इंटरेस्टिंग हमारा सिलेबस है। इसके अंदर एक एक चीज़ को हम बारीकी से पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को भी टच करेंगे और रियल लाइफ के एस्पेक्ट्स को भी मैं टच करूंगा। राइट, अब कुछ कुछ सवाल रहते हैं स्टूडेंट्स के मन में, वो ये रहता है सर बहुत अच्छी बात है बट ये बता दीजिए क्या आखिर बैच का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? तो दोस्तों हमारी बैच का ड्यूरेशन रहेगा 80 लेक्चर्स, रफली 3 आवर्स का नेट टाइमिंग। हम जो लेक्चर लेंगे उसमें एक ब्रेक भी होगा बीच में, तो ब्रेक के टाइम को हटाकर नेट हमारा 3 आवर्स का एक लेक्चर बनेगा। सो 80 मल्टीप्लाई बाय 3, अप्रॉक्सीमेटली 240 to 250 आवर्स में हम इस बैच को कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले जब मैं पढ़ाता था तो आई यूज टू टेक 300+ आवर्स, मुझे 300+ आवर्स लग जाते थे, जो थोड़े से मुझे भी ऐसा लगता है थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। हालांकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ाता हूँ, सारे एस्पेक्ट में टच कर देता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पहला अटेम्प्ट सिर्फ एक ही बार आता है और पहले अटेम्प्ट में पास होने की खुशी ही अलग होती है। तो पहले अटेम्प्ट में अगर पास होना है तो देन यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल। तो फिर सर आप हमें 300 आवर्स क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, आप हमें 250 आवर्स में क्यों निपटा रहे हैं? तो दोस्तों ये जो 50 आवर्स का हमारा जो टाइम सेव होगा, ये बेसिकली हम थोड़ा सा स्मार्ट प्लानिंग करके सेव करेंगे। पहले मैं क्या करता था, बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे मैंने क्वेश्चन करवा दिया सबको समझ में भी आ गया, उसके जैसा ही दूसरा क्वेश्चन आया मैं उसको फिर से करवा देता था। कुछ स्टूडेंट्स बोलते सर क्यों करवाए जब आप ऑलरेडी वैसा करवा चुके, ये हमको समझ, वो उधर से नहीं नहीं चिल्लाते थे, नहीं नहीं, पर मैं बोलता था हाँ हाँ हम इसको और करेंगे। तो हमें इतना सारा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आज के ज़माने में हमारे पास समय कम है, काम बहुत ज़्यादा, इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें भी हमें चलानी है। तो हम यहाँ पर 250 आवर्स के अंदर 100% क्वालिटी के साथ 100% ऑफ द कॉन्सेप्ट, फुल कवरेज ऑफ द सिलेबस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इन बातों के लिए विश्वस्त रहिए। सर आप इन 240 आवर्स में आखिर क्या क्या चीजें कवर करेंगे? यानी डाउट ये आता है कि सर सपोज करें कि आप पढ़ा रहे हैं, हमने आपके नोट्स पढ़ लिए, इसके अलावा हमें और क्या क्या रेफर करना पड़ेगा? सर क्या हमें ICAI का स्टडी मटेरियल रेफर करना पड़ेगा? क्या हमें RTPs, MTPs, पास्ट एग्जाम्स के पेपर, ये सब भी हमें रेफर करने पड़ेंगे? नहीं, मैं ऑलरेडी रेफर कर चुका हूँ, तो जो हमारे नोट्स बने हुए हैं ना उसमें 100% क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं? यानी आपका जो स्टडी मटेरियल है वो 100% हमारे नोट्स में कवर्ड है, हमने नोट्स कर लिया पूरे क्लास में, तो आपको स्टडी मटेरियल अब रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास भी रखा हुआ है स्टडी मटेरियल, और क्योंकि मुझे पता है कि जो भी एग्जाम होती है उसमें रफली 70% ऑफ द पेपर ICAI के जो सोर्सेज हैं, एग्जिस्टिंग सोर्सेज है, उसी से ही 70% पेपर बनता है। आप तो खैर इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दे चुके, तो आपको पता है कॉस्टिंग का पेपर, FM इकोनॉमिक्स का कैसे बनता है। राइट, जो एग्जिस्टिंग ICAI का मटेरियल है उसी से ही मिनिमम 70% ऑफ द पेपर बनता है, तो जब उसी से ही बनता है तो हम उससे अलग क्यों जाएंगे? राइट, तो दोस्तों हमारे नोट्स के अंदर स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस हैं, पास्ट एग्जाम पेपर्स यानी सजेस्टेड आंसर्स के क्वेश्चंस हैं, फ्यूचर है, ये कैसे पता? दोस्तों क्या रहता है कि ICAI हर अटेम्प्ट में एक दो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस पूछता है, जो अभी है नहीं कहीं, कॉन्सेप्ट वही लेगा लेकिन मजे लेगा बच्चों। यानी सिंपल सी बात है, जैसे कि आपने इंटरमीडिएट पढ़ रखा है तो उसका एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ रखा है, आपको NPV कैलकुलेट करनी आती है, वो लोग NPV दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ कि फिर वो रेवेन्यू आखिर कितना था, मतलब सीधा तो जाना आपको आता है लेकिन उल्टा आखिर
कैसे जाएं, राइट? तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर आईसीआई हर अटेम्प्ट में कभी क्या टॉपिक्स एक्सपेरिमेंट करता है, कभी क्या टॉपिक्स एक्सपेरिमेंट करता है. तो ऐसे ही सारी जो फोरकास्टेड सिचुएशन है वो सारा का सारा मैं कॉन्सेप्ट पोर्शन के अंदर कंप्लीट कर लेता हूँ, राइट? दोस्तों फ्यूचर एग्जाम के क्वेश्चन की भी अब कोई चिंता नहीं रही, आरटीबीज कवर्ड है और क्या क्या मॉक टेस्ट पेपर्स कवर्ड है और CFA और दूसरे फेमस ऑथर की किताब का थोड़ा सा 1% कंटेंट है. यानी 99% कंटेंट कहाँ से आ रहा है? ये बचे हुए सर्कल से आ रहा है सर. 1% कंटेंट जो मुझे लगता है कितना क्वालिटी क्वेश्चन है ये, तो इनको पता होना ही चाहिए. और इसकी प्रोबेबिलिटीज हैं कि ICI इस क्वेश्चन को पुल कर सकता है, वो चीज़ें भी हम यहाँ पर करेंगे. ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे नोट्स के अंदर शुमार हैं. नोट्स के अलावा मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ, नोट्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, नोट्स में से ही पेपर बनेगा. बाय चांस नोट्स में से पेपर नहीं बना तो और खुश हो जाओ, फिर सिर्फ अपना नहीं बाकी सबका भी जाएगा. तो बाकी सबका ज्यादा जाएगा क्योंकि हम तो फिर भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस हैं वो कर चुके हैं, राइट? तो आपको नोट्स के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. सर आप थ्योरी भी पढ़ाते हैं? जी हाँ थ्योरी भी पढ़ा लेता हूँ. तो मैं SFM के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, थ्योरी भी मैं यहाँ पर करवाऊंगा, क्योंकि जो भी प्रेजेंट ट्रेंड है उसमें थ्योरी आती है रफली 20-25 मार्क्स की और थ्योरी कुड बी अ सेवियर फॉर यू. कभी कोई एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आ गया जो आपसे नहीं बन रहा है, एटलीस्ट यू कैन अटेम्प्ट द थ्योरी पार्ट, राइट? तो दोस्तों हम यहाँ पर प्रैक्टिकल्स कवर करते हैं, थ्योरी कवर करते हैं. सर आप कैसे पढ़ाते हैं? पढ़ाने का तरीका दोस्तों बहुत सिंपल है. सबसे पहले मैं जब पहला चैप्टर शुरू करूंगा और कोई सा भी चैप्टर शुरू करूंगा, मैं उसका एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ले डाउन करूंगा कि आखिर ये चैप्टर पिक्चर में ही क्यों आया, क्यों आखिर ये एग्जिस्ट करता है, इसकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट आखिर क्या. एक पूरा हम ऑरा क्रिएट करेंगे उस चैप्टर का. फिर दोस्तों मैंने ना कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स क्रिएट कर रखे हैं. कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स मैंने कैसे क्रिएट कर रखे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सारे समय का, कि कैसे 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 क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चन का निचोड़ और कॉम्बो. क्वेश्चन में क्या रहता है, जैसे लिवरेज का क्वेश्चन है तो लिवरेज के 10 क्वेश्चन है तो 10 के 10 अलग नहीं होते, उनमें कुछ कुछ चीजें तो कॉमन रहती. तो उन सारे 10 क्वेश्चंस को इकट्ठा करके आई हैव मेड सर्टेन एग्जांपल्स. और ये जो एग्जांपल है मैं इसे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल कहता हूं. क्यों कहता हूं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल, क्योंकि ये वो एग्जांपल नहीं कि दो लाइन में लिखा और चार लाइन में सॉल्व हो गया. ये एग्जाम्पल भी बड़ा होगा, इसमें बहुत सारी सिचुएशन एक ही एग्जाम्पल में जब मैं एड्रेस करूंगा तो आपको 360 डिग्री व्यू आ जाएगा. जैसे मैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का एक एग्जाम्पल लूंगा तो मैं उसके अंदर 360 डिग्री थिंग्स एड्रेस कर दूंगा, तो इससे एक ओवरऑल हमारा व्यू बन जाता है कि अच्छा ये चीज़ें कैसे पैन आउट होगी. बाय चांस अगर आपने मुझसे इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है तो जैसे मैं आपको कैपिटल बजटिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कैपिटल बजटिंग में क्या क्या चीज़ें रियल लाइफ में हो सकती वो सारा डेटा पुल करके उसको पूरा प्रोसेस करके और क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती वो मैं आपको बता देता हूँ. तो इससे एक हमारा कम्फर्ट लेवल पूरे टॉपिक से बढ़ जाता है और एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसका 100% कॉन्सेप्ट यहीं कवर हो जाता है. इसके बाद हम दोस्तों ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट्स करने के बाद हम करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी वही जो स्टडी मटेरियल RTB MTP से आए हैं. ओ फिर ऐसी नौबत क्यों? तो दोस्तों इतना सब करने के बाद क्या होता है कि जब डेटा तो बहुत सारा आ गया, इकट्ठा हो गया, राइट, आखिरी में आपको पता होगा कि जो CA की एग्जाम्स होती है उसमें जो भी आपके मार्क्स आते हैं, सपोज करो कि आपके इनकम टैक्स के पेपर में, इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूं, आपका इंटरमीडिएट में इनकम टैक्स के पेपर में 60 मार्क्स आए, वो जो 60 मार्क्स है ना उसमें से 40 मार्क्स इसलिए आए क्योंकि आपने आखिरी दिन पढ़ा था इनकम टैक्स. फ्लैशबैक में जाओ और दो मिनट के लिए सोचो कि आपने आखिरी दिन पढ़ा ही नहीं था इनकम टैक्स, वो एक दिन का बीच में गैप मिलता है ना, उस दिन आपने इनकम टैक्स ही नहीं पढ़ा, आपने एक वेब सीरीज निपटा दी. अब आप बताइए कि आपको अब इनकम टैक्स के पेपर में आएंगे 60? नहीं. कितने आएंगे? 20 नंबर, 25 नंबर पास होने के लाले पड़ जाएंगे. यानी क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो कि लास्ट डे कितना इंपॉर्टेंट होता है और लास्ट डे में मिस प्लानिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, राइट? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इतनी सारी एग्जाम्स पास कर रखी है तो मुझे पता है कि आखिरी दिन क्या चीज़ें रिवाइज करनी चाहिए, कितने अमाउंट ऑफ टाइम तक उनको रिवाइज करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए. आपके साथ इंटरमीडिएट में ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि आप जैसे ही 5 बजे एग्जाम हॉल से बाहर निकले हैं और ये पेपर रहा आपके हाथ में और आपने क्वेश्चन, ओ ये मिस्टेक, ऐसा हुआ?
और यार ये सिली मिस्टेक हो गई, ये सिली मिस्टेक सिली नहीं होती, जिसको आप सिली बोल रहे हो वो 8 नंबर लेकर जाती है, क्योंकि एग्जाम में होती स्टेप मार्किंग, और स्टेप मार्किंग में अगर स्टेप वन गलत हुई तो नीचे की सारी स्टेप्स गलत, जिसको आप सिली बोल रहे हो वो सिली नहीं है, 8 नंबर गए। और पास और फेल में फासला ही कितना होता है? जो भी फेल होते हैं, सपोज 200 लाने, तो कोई ऐसा फेल नहीं होता यार 50 ही आए, जो फेल होते हैं वो 181 आए, 185 आए, 188, 193, 190, 197, किसी किसी के तो नंबर ही टैली हो गए होंगे। तो क्या होता है दोस्तों, ये पास और फेल में सिर्फ इतना सा फासला होता है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप इतनी पढ़ाई करके जाओ और उसके बाद ये हो जाए कि यार छोटी सी मिस्टेक हो गई। इसलिए जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं जो आपसे पोटेंशियल मिस्टेक्स होने वाली एग्जाम में कि बच्चों ये गलती हो सकती है, ये ध्यान रखना, वो सारी मैं नोट करवा देता हूँ। दिस आर द कॉमन पिटफॉल्स, और वो तो मैं करवाऊंगा, और बाय चांस अगर आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है तो आपको पता ही होगा कि वो कैसे कॉमन पिटफॉल्स आते हैं, राइट? तो वो कॉमन पिटफॉल्स क्या क्या हो सकते हो पता होना चाहिए। एक बार मैंने अगर आपको बता देना, देखना ध्यान रखना है गलती एग्जाम में हो सकती है, और वो हम प्रॉपर नोट डाउन करेंगे, और आप आखिरी दिन अगर उसको पढ़कर जाएंगे तो फिर आपकी फ्रंट मेमोरी में, रैम में रहेगा आपका वो डेटा की अरे ये गलती हो सकती है, करते वक्त यू वुड बी कॉशियस, और अगर आप कॉशियस हैं तो डेफिनेटली यू वुड बी अवॉइडिंग दोज मिस्टेक्स। और ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, अगर मेरे इतना सब बताने के बाद एक भी मिस्टेक अगर आपने अवॉइड कर दी, मैं मान लूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि एक मिस्टेक अगर आपने अवॉइड कर दी मेरे बताने पर तो 5 से 8 मार्क प्लस हो जाएंगे। और अगर ऐसा एक सब्जेक्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 या 4 सब्जेक्ट से, तो पास और फेल का जो फासला है वो मिट जाएगा, 200 के मार्क को हम इजीली क्रॉस कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लास में करते हैं, लास्ट रिवीजन प्लान बनाते हैं, कॉमन पिटफॉल्स देखते हैं, एडवांस लेवल क्वेश्चंस हम देखते हैं। जब आप एडवांस लेवल पर चले जाते हो तो बेसिक क्वेश्चंस बहुत ईजी लगने लगते हैं, राइट? दोस्तों हम यहाँ पर 2 तरह की कॉपीज बनाएंगे, वेयर वन वुड बी द कॉन्सेप्ट कॉपी एंड अनदर वुड बी द सॉल्यूशंस कॉपी, राइट? आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है तो आपको पता ही होगा, नहीं तो भी मैं बता दूं कि हम एक कॉन्सेप्ट की कॉपी सेपरेट बनाते हैं, कॉन्सेप्ट, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थिंग्स टू रिमेंबर इन एग्जाम, कॉमन पिटफॉल्स, कॉशन नोट्स, ध्यान रखना, ऐसे ऐसे घुमा सकता है, वो सारी चीज़ें किस में लिखी हुई है? कॉन्सेप्ट कॉपी में। और जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, जो आईसीआई की क्वेश्चंस आते हैं, उसकी प्रैक्टिस हम सेपरेट कॉपी में करते हैं। कॉन्सेप्ट कॉपी सेपरेट बनाने का मकसद ये रहता है, एक तो आखिरी दिन बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है, पता रहता है कि ये वो कॉपी है जो मेरी 300 पेजेस की सपोज बनी हुई है कॉपी, और ये तो मुझे आखिरी दिन रिवाइज करनी, तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं लास्ट डे कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने वो आपको टिक करवा देता हूँ कि ये क्वेश्चन लास्ट दिन हमें रिवाइज करने, जिससे और कॉन्सेप्ट की बेहतर इंप्लीमेंटेशन वाली प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट? तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट नोटबुक सेपरेट बनानी, एक सोल्यूशन कॉपी हमें सेपरेट बनानी, इससे साइकोलॉजिकली भी फायदा रहता है, सिलेबस थोड़ा लाइट दिखता है। सोचो कि 3 रजिस्टर भर दोगे आप, 300 पेज के 3 रजिस्टर, तो आपको ऐसा लगेगा अरे बाबा SFM इतना हैवी, उसको सेग्रीगेट कर दो, 300 पेजेस का एक रजिस्टर कॉन्सेप्ट कॉपी, वो कभी अगर आप आउटस्टेशन ऑडिट पर भी गए तो साथ में लेकर चले गए, वहां काम तो करना ही नहीं पड़ता। तो हम वहां पर हम इसको इजीली पलटा सकते, कहां 3 रजिस्टर आप कैरी करोगे ना, उसकी बजाय यू कैन सिंपली कैरी द कॉन्सेप्ट कॉपी, राइट? तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा SFM का इंट्रोडक्शन, खूब मजा आपको आने वाला है SFM AFM की बैच में। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद एक छोटा सा हम 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद हम बेसिक कॉन्सेप्ट FM के पढ़ना शुरू करेंगे। ओके चलिए गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों हमने SFM AFM की बैचेस की स्टार्टिंग कर दी थी, जिसमें हमने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देखा कि आखिर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, राइट? अब हम यहाँ पर बेसिक्स पढ़ने से शुरुआत कर रहे हैं। मैं जो बेसिक्स बता रहा हूँ वो किसी भी चैप्टर में किसी भी वक्त कभी भी काम में आ सकते हैं। हालांकि जब मैं बेसिक्स बताऊंगा तो हो सकता है कभी कुछ कुछ बेसिक आपको इतने बेसिक लगे कि ये भी क्या बात बता रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर मैं बता रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पज़ है। मैं चाहता हूँ कि आपसे वो सिली सी मिस्टेक एग्जाम में ना हो जाए, जिसको आप बेसिक समझ रहे हो वो बेसिक मिस्टेक ही आपसे एग्जाम में ना हो जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं बेसिक्स पढ़ने से। जैसे कि बात हुई थी, हम 2 कॉपीज बनाएंगे, एक कॉन्सेप्ट कॉपी और एक सॉल्यूशंस कॉपी। तो अभी हम यहां पर कॉन्सेप्ट कॉपी बना रहे हैं।
क्या सर ये हमें साथ साथ नोट करते चले जाना है? जी हाँ, हमें साथ साथ नोट करते चले जाना है। अपनी हैंड रिटन कॉन्सेप्ट कॉपी बनी हुई रहेगी तो कॉन्फिडेंस अलग आएगा। जब आप एग्जाम में लास्ट डे अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स पढ़ते हो तो एक विश्वास रहता है कि हाँ ये वो चीज़ है जो मुझे कभी ऑलरेडी अंडरस्टैंड हुई थी, समझ में आई थी, राइट? तो दोस्तों कॉन्सेप्ट पर आते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। ओके, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दोस्तों कुछ छोटी छोटी चीजें हम यहां पर कवर करेंगे जिससे एक हमारी कनेक्टिविटी बन जाएगी। इंटरमीडिएट में कुछ हमने पढ़ा हुआ है तो वो चीजें यहां पर ब्रशअप हो जाएंगी और फाइनल में वो सारी चीजें काम में आएंगी। ओके, सबसे पहला होता है ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर। एंड आई एम वेरी श्योर दैट ऑल ऑफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट अर्निंग्स पर शेयर, राइट? कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों अर्निंग्स पर शेयर? EAES, राइट? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, राइट? दोस्तों हमने इंटरमीडिएट में देखा था इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होता है, राइट? बेसिक फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का। सबसे पहले आते हैं रेवेन्यूज, इसमें से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मतलब दो तीन फॉर्मेट होते हैं, एक COGS वाला भी होता है। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो ये आता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अगर आप कॉस्टिंग से ज्यादा प्रभावित है तो अभी आप यहाँ पर प्रॉफिट बोलने वाले थे, लेकिन दोस्तों एफएम में यहाँ पर प्रॉफिट नहीं आता। एफएम में इसको क्या कहते हैं? EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें हम क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। अब आ जाता है अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, इसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स, तो ये आ जाता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, राइट? लेकिन अर्निंग्स पर शेयर किसके लिए निकलता है? प्रेफरेंस प्लस इक्विटी दोनों के लिए निकलता है, प्योर इक्विटी के लिए निकलता है, प्योर इक्विटी के लिए। जबकि ये जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस है इसमें से हमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे करना होता है, राइट? तो जब हम इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं और अब जो अर्निंग्स बचती है दैट इज कॉल्ड एज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड एज सून एज वी डिवाइड दिस नंबर बाय एन यानी नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग वी गेट अर्निंग्स पर शेयर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दोस्तों अर्निंग्स पर शेयर का जो फॉर्मूला है आपको सभी को पता है, अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल टू EAES, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन एन यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स, राइट? बट हमारी किताबों में कई सारी जगह पर आपको ये वाला फॉर्मूला मिलने की बजाय हो सकता है कि ये फॉर्मूला मिले, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस अपॉन एन, यानी जब आप सी इंस्टीट्यूट का बाय चांस मटेरियल भी रेफर करेंगे तो आपको दिखेगा अरे ईपीएस इज इक्वल टू क्या लिख दिया? EAT अपॉन एन। तो ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। किस सिचुएशन में? जब प्रेफरेंस शेयर्स ना हो। इज दैट क्लियर? तो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो करेक्ट, देर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपको ये फॉर्मूला भी लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेफरेंस नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ प्रेफरेंस शेयर्स डजेंट एग्जिस्ट, अगर प्रेफरेंस शेयर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला चलता है एंड देर इज लिटरली नो प्रॉब्लम। ओके, अब दोस्तों ये जो हमने अर्निंग्स कमाई है इसमें से कुछ पैसा तो कंपनी खुद रख लेती है, रिटेन कर लेती, और कुछ पैसा कंपनी बांट देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, राइट? दोस्तों अगर हमें डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करनी है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? डिविडेंड यील्ड परसेंटेज, की कितना है डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज, है ना? तो मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रख रहा हूँ, आप मुझे बताना कि डिविडेंड यील्ड कितनी बनती है। सपोज करें कि कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर है 10 रुपीज़, है ना, और कंपनी ने उसमें से डिविडेंड दिया है 4 रुपीज़, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर कितनी आ गई है? 6 रुपीज़। आप मुझे बताइए दोस्तों डिविडेंड यील्ड कितना परसेंट है? 40%, राइट? ये गलत जवाब है दोस्तों। तो लिखते हैं, हाँ, तो क्या होता है कि डिविडेंड एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिससे बहुत सारे रेशियोज निकलते हैं। नहीं, गलत था जवाब, देखते हैं सही क्या है। एक्चुअली जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना उसका उससे होगा ही नहीं। करेक्ट आंसर ये था कि सर डिविडेंड यील्ड इससे कैलकुलेट ही नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों हाँ बिल्कुल सही किसी ने जवाब दिया। तो यहाँ पर दोस्तों डिविडेंड से रिलेटेड तीन टर्मिनोलॉजीज होती है, एक है डिविडेंड परसेंटेज,
दूसरा होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, और तीसरी टर्मिनोलॉजी होती है डिविडेंड यील्ड परसेंटेज। क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली कौन सा वर्ड क्वेश्चन में यूज करा हुआ है उससे आपके जवाब चेंज होंगे, मतलब उससे पूरे आंसर की काया पलट जाएगी, राइट? तो इसलिए यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आपको डिविडेंड परसेंट 40% बोल रहा है, या डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% बोल रहा है, या डिविडेंड यील्ड 40% बोल रहा है, उससे आपका नंबर चेंज हो जाएगा, राइट? दोस्तों डिविडेंड परसेंट यानी वही जो आपने 11वीं 12वीं के अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है कि कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है सपोज करो 10 रुपीज, और कंपनी ने 40% डिविडेंड दिया है यानी 4 रुपीज का डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड परसेंट जब भी क्वेश्चन बोले टर्मिनोलॉजी यूज हो, तो डिविडेंड परसेंट का हमेशा बेस क्या होगा, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, राइट? तो दोस्तों यहां पर डिविडेंड परसेंट इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर अपॉन फेस वैल्यू, ठीक है? तो बाय चांस अगर आपको डिविडेंड परसेंट 40% दे रखा है, तो आपको किसके किस पर अप्लाई करना है, फेस वैल्यू पर अप्लाई करना है टू गेट द डिविडेंड अमाउंट, राइट? डिविडेंड पे आउट रेशियो है ना, शब्दों को फील करें, डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब कितना डिविडेंड पे आउट करा, तो डिविडेंड पे आउट किस में से करते हैं, ईपीएस में से, राइट? तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डीपीएस अपॉन ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग्स पर शेयर, राइट? सो सपोज करो कि अगर हमारी अर्निंग्स पर शेयर 10 रुपीज है और 4 रुपीज का डिविडेंड दिया गया है, देन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%, राइट? हाँ जी, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज देखना दोस्तों क्या होता है, मतलब एफएम का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी ये वाला वर्ड यूज कर लिया जाए, कौन सा वर्ड, यील्ड, तो बाय डिफॉल्ट यील्ड, यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। अच्छा, यील्ड का मतलब कॉस्टिंग में अलग होता है, एफएम में अलग होता है। कॉस्टिंग में अगर फैकल्टी बोलती है यील्ड 80% यील्ड है, मतलब 80% आउटपुट है, 100 kg रॉ मटेरियल डाला, यील्ड इज 80%, तो कॉस्टिंग में यील्ड का मतलब होता है कितना आउटपुट आया, और एफएम में यील्ड का मतलब होता है कितना रिटर्न आया। और बाय डिफॉल्ट यील्ड का मतलब रिटर्न, और रिटर्न भी किस बेस पर, मार्केट प्राइस पर। इज दैट क्लियर, कि मैंने मार्केट प्राइस कितना लगाया, शेयर अभी कितने का चल रहा है, और उस पर मुझे कितना डिविडेंड मिला है, राइट? तो दोस्तों डिविडेंड यील्ड परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस, ठीक है? अब ये तीन टर्मिनोलॉजीज क्यों, तो जब कंपनी एजीएम, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी जी एनुअल जनरल मीटिंग को एड्रेस करेंगे, तो वो क्या बोलेंगे, वो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज पर ध्यान देंगे क्या, नहीं, ही सिंपली से डिविडेंड परसेंट, और कंपनी इज डिक्लेयरिंग 40% डिविडेंड। हालांकि वो 40% सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन एक्चुअली वो मिलता किस पर है, फेस वैल्यू पर, 10 रुपीज की फेस वैल्यू, 40% डिविडेंड यानी 4 रुपीज का डिविडेंड। लेकिन जो एजीएम में सामने की तरफ इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं ये डिविडेंड परसेंटेज हमारे किसी काम का नहीं है। इन्वेस्टर पता है किस पर फोकस करता है, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज पर फोकस करता है, कि मैंने कितना पैसा लगाया। रिलायंस के शेयर की फेस वैल्यू भले ही 10 रुपीज है, पर मुझे थोड़ी ना 10 रुपीज में मिल रहा है आज। आज तो सपोज करो कि रिलायंस का शेयर 2500 रुपीज का, ऐसे ही राउंड नंबर बोल रहा हूँ मैं, 2500 रुपये का रिलायंस का शेयर है, तो आप मुझे 2500 रुपये पर कितना डिविडेंड दे रहे हो, 4 रुपये, तो ये हुई ना मेरी तो यील्ड। इज दैट क्लियर? तो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज यूजुअली कौन देखेंगे, इन्वेस्टर्स। कंपनी किसका गाना गाएगी, डिविडेंड परसेंटेज का, है ना? और डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी कि इनकम स्टेटमेंट में जो कमाया उसमें से कितना पे आउट कर लिया, बचा हुआ रिटेन कर लिया फॉर वेरियस पर्पसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए एंड सो ऑन, राइट, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए, ओके। तो दोस्तों ये तीन तरह के रेशियो से आप क्वेश्चन के अंदर बहुत ध्यान से पढ़ना है कि डिविडेंड यील्ड परसेंटेज लिखा है तो फिर मार्केट प्राइस ढूंढना उस पर अप्लाई करना, डिविडेंड परसेंट वर्ड लिखा है तो फेस वैल्यू ढूंढना और उस पर अप्लाई करना। इज दैट क्लियर? अच्छा एक और चीज, क्योंकि ये हमारी लाइव बैच चल रही है और लाइव फेस टू फेस चल रही है, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो अगर मेरे समझाने में आपको जरा सा भी कोई शक हो, सवाल हो मन में, वो आप मुझसे पूछ लेना। आपका अगर बेसिक सा भी डाउट है तो आई एम गोइंग टू आंसर दैट, मतलब मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा कि आपने डाउट पूछा और मैंने आपके मजे ले लिए,
नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं, राइट? आपने डाउट पूछा, आई वुड रियली अंडरस्टैंड कि ये डाउट आ रहा है तो आखिर क्यों आ रहा है ना? तो आप बेफिक्र होकर मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मैं कभी आपके मजे नहीं लेने वाला, डाउट पूछ ले लो, ठीक है? ओके, तो पहली तो चीज ये कि आपको जो जो मन में डाउट आए वो आप पूछ सकते हो, ऑब्वियसली सिलेबस से ट्रैक पर रहते हुए हमें लाइन डेविएट नहीं करना है, राइट? दूसरी चीज ये कि हमारी क्लास को जितना इंटरेक्टिव बनाएंगे ना उतना मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। तो अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछता हूँ आप बेफिक्र होकर जवाब दीजिए, राइट? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही होगा। यहाँ कौन से हमारे पैसे कट रहे हैं, मतलब मार्क्स कट रहे हैं, राइट? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जितना जवाब दोगे उतना इंटरेक्टिव फील होगा, उतना ज्यादा हमारा पार्टिसिपेशन बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट पर। हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो मतलब कितना रिटेन कर लिया, राइट? तो सपोज करो कि अगर कंपनी ने 10 रुपीज का ईपीएस कमाया है, अर्निंग्स पर शेयर, और उसमें से 4 का डिविडेंड दे दिया है, यानी 40% तो हो गया पे आउट और 60% हो गया रिटेंशन रेशियो, राइट? तो रिटेंशन रेशियो का दोस्तों फॉर्मूला आप क्या बताना चाहेंगे? दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो होता है 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, इज दैट क्लियर? यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है, और एक्चुअली 40% को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसा लिखते हैं, 0.40। सो 1 माइनस 0.40, 0.60 इज अवर रिटेंशन रेशियो। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं पूरा स्क्रैच से फॉर्मूला, ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन ईबीएस, इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं, और वो है अर्निंग्स यील्ड परसेंटेज। अर्निंग्स यील्ड परसेंटेज, अर्निंग्स यील्ड। अब आप ध्यान देना, यहां पर मैंने वर्ड क्या लिखा है, यील्ड। इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि डिनोमिनेटर क्या होने वाला है, मार्केट। दुनिया में कभी भी यील्ड कैलकुलेट करोगे अपने सिलेबस में, जब भी यील्ड कैलकुलेट करेंगे बाय डिफॉल्ट द डिनोमिनेटर वुड बी मार्केट प्राइस, बिकॉज यील्ड मीन्स रिटर्न, और एक्चुअल रिटर्न तभी कैलकुलेट होता है जब आप आज के बेसिस पर देखते हो कि आज मेरा कितना रुपया उस इन्वेस्टमेंट में ब्लॉक्ड है, तो मुझे आज के जो मेरे रुपए ब्लॉक्ड है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, राइट? और ये कौन सी यील्ड है, अर्निंग्स यील्ड। फॉर्मूला दोस्तों आप बता सकते हैं, ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस, राइट? ये होता है हमारा अर्निंग्स यील्ड का फॉर्मूला, ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर ये सिलेबस में काम में आ जाते हैं, और तब हमें बेसिक में नहीं उलझना पड़ेगी अरे अर्निंग्स यील्ड क्या होता है। तो हम यहीं पर ही समझ लेते हैं अर्निंग्स यील्ड क्या होता है। इसके बाद दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी जिसको हम मार्केट कैप कहते हैं। जैसे कि दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप कोई छोटा मोटा है 200-500 करोड़, या बड़ी कंपनी यार, बड़ी कंपनी, राइट? तो मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई थिंक आपको आता है, हाउ डू यू फाइंड मार्केट कैप, है ना? मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, इज दैट क्लियर? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोज करें कि अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 2300 रुपीज, और मल्टीप्लाई उसको कितने किससे कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर जो आउटस्टैंडिंग है। सपोज करो कि रिलायंस के 1000 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, कितने 1000 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब है कि 2300 रुपीज तो एक शेयर का भाव है, और ऐसे कितने 1000 शेयर उनके आउटस्टैंडिंग है, 1000 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। मतलब ओवरऑल मार्केट कैप कितना बनता है, 2300 और 000, कितना आता है मार्केट कैप, 23 लाख करोड़, 23 लाख करोड़ आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, इज दैट क्लियर? ओके, हाँ, उनके कुछ ऐसे 600-700 करोड़ शेयर्स के आसपास है, राइट? रिलायंस का मार्केट कैप आप में से किसी को पता है कितना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन? बिल्कुल सही जवाब, राइट? रफली 16 लाख करोड़ के आसपास अभी उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है, राइट? कहाँ से देख सकते हैं हम, एनएससी या फिर बीएसई की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहां पर दिख जाएगा हमें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, राइट? एक बार मैं भी देख लेता हूँ क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो हाथों हाथ पता चल जाएगा ना अभी शेयर कितने हैं, मैं फायदे में हूँ या नुकसान में, या गूगल फाइनेंस पर भी देख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई थिंक यहाँ पर भी आ जाता है मार्केट, अरे वाह ये आ गया, देखो मार्केट कैपिटल, नहीं,
आया ही नहीं ना। 2319.95 पर शेयर चल रहा है, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस एरिया में जूम करता हूँ तो आपको मार्केट कैप दिखता है। ओ नो, ये फॉरेन वाले भी 15.27 TINR इन्होंने लिख दिया, एंड दैट्स ट्रिलियन। सो ट्रिलियन मीन्स 1 लाख करोड़। हाँ वो भी सब समझेंगे हम, मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, ट्रिलियन क्या होता है। अभी के लिए डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ट्रिलियन मीन्स 1 लाख करोड़। तो 15.27 × 1 लाख यानी वही 15,27,000 करोड़ जो आपने बताया, 16 लाख करोड़। चलता रहता है प्लस माइनस। ओके तो दोस्तों ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है, आप गूगल फाइनेंस पर भी चेक कर सकते हो, NSE की वेबसाइट, BSE की वेबसाइट पर भी हम इसे चेक कर सकते हैं, राइट। इसमें भी आगे जाकर और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आएंगे, टोटल मार्केट कैप, फ्री फ्लोट मार्केट कैप, वो वक्त आने पर हम सीखेंगे। दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन का आपने मुझे फॉर्मूला बताया है, मार्केट प्राइस कितनी चल रही है शेयर की, मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय एन यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, कई सारे लोगों को एक गलत फहमी होती है कि रिलायंस का शेयर चल रहा है 2,300 रुपीज पर, और सर हमारी कंट्री में एक और शेयर है MRF 97,000 रुपए का। अब किसी लेमैन से पूछेंगे, बड़ी कंपनी यार MRF तो, रिलायंस से कब इतनी बड़ी कंपनी हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन अब आप समझे क्या कि मार्केट प्राइस से नहीं पता चलता कौन सी कंपनी बड़ी है। वैसे बचपन में कन्फ्यूजन सभी को था, एक ना एक पॉइंट पर गया और शेयर तो बड़ा है इसका, राइट। तो शेयर का प्राइस बड़ा होने से कंपनी बड़ी नहीं होती, एक और फैक्टर लगता है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर रिलायंस के नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है तो ओवरऑल साइज रिलायंस का बड़ा है। तो मार्केट कैप हमें बताता है एक्चुअली में कौन सी कंपनी ज्यादा बड़ी है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो वो MRF का शेयर का प्राइस भले बड़ा दिखेगा बट उसके नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ही बहुत कम है, तो उसका ओवरऑल मार्केट कैप रिलायंस से काफी कम दिखेगा। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी आप जगह छोड़ना, रफली 3 लाइंस की स्पेस छोड़ेंगे, क्योंकि हम वापस से इस कॉन्सेप्ट पर कम बैक करेंगे अभी थोड़ी सी ही देर में। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज पीई रेशियो, पीवी रेशियो नहीं, कॉस्टिंग नहीं पड़ रहे, पीई रेशियो, राइट, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। दोस्तों फॉर्मूला आप सभी को पता है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस टू अर्निंग्स। सो प्राइस बाय अर्निंग्स, वेयर प्राइस मीन्स मार्केट प्राइस, एंड क्योंकि मार्केट प्राइस पर शेयर होती है इसलिए हम अर्निंग्स भी कौन सी लेंगे, पर शेयर लेंगे, राइट। दोस्तों इस वाले रेशियो पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, आखिर ये पीई रेशियो क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं, है ना। सपोज करें कि एक कंपनी है इंफोसिस, राइट, और इन्फोसिस का अभी हम कुछ डमी नंबर्स ले लेते हैं। सपोज करें कि इन्फोसिस के शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 1,500 रुपीज, है ना, और इन्फोसिस का सपोज करें अर्निंग्स पर शेयर है 50 रुपीज। ओके, तो इस नाते इन्फोसिस का पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कितना आ रहा है, 30 टाइम्स ना। ओके अब सबसे पहले हम समझते हैं आखिर ये जो पीई रेशियो, चलो हमने कैलकुलेट कर तो लिया, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, एक बेसिक लेवल का इंटरप्रिटेशन अभी हम देख रहे हैं, एडवांस पे बहुत सारी डिटेल्स। बेसिक इंटरप्रिटेशन ये है कि आज अगर मैं 1,500 रुपीज दूंगा इन्फोसिस का शेयर खरीदने के लिए, तो मैं इन्फोसिस का शेयर होल्डर बन जाऊंगा, यानी अब जो उसकी कमाई होगी, अर्निंग होगी पर शेयर, वो कहीं ना कहीं मुझे बिलोंग करेगी, राइट, विच मीन्स आई एम पेइंग 1,500 रुपीज टू गेट अर्निंग्स ऑफ रुपीज 50। ऐसा ही होता है, देखो कभी भी कमाई करनी है ना तो थोड़ा ज्यादा पैसा अभी आज की तारीख में लगाना पड़ता है। जैसे अगर आपको बैंक से ब्याज चाहिए कि भाई मुझे 7,000 रुपीज ब्याज मिले हर बार, तो आज आपको बैंक को कितने देने पड़ेंगे, लाख रुपए देने पड़ेंगे सपोज, तो आज थोड़ा बड़ा कैपिटल सम देते हैं तो हमें एक रेकरिंग रेगुलर इनकम मिलती चली जाती है। तो पीई रेशियो देखता है कि अर्निंग पाने के लिए, अर्निंग कमाने के लिए आज उस अर्निंग का कितना गुना, कितना टाइम्स आपको आज पे करना पड़ रहा है, राइट। तो अगर आपको इन्फोसिस से हर साल कितने कमाने, 50 रुपीज कमाने, तो आज आपको उसका
तीस गुना दाम देना पड़ेगा। आज आप 1500 रुपीज जमा करोगे इन्फोसिस में तो आपको 50 50 50 रुपीज की अर्निंग्स मिलती चली जाएगी। तो पीई रेशियो का बेसिक मीनिंग होता है कि फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ अर्निंग, 1 रुपए की कमाई पाने के लिए आज उसका कितना गुना मुझे पे करना पड़ता है, राइट? कितना? 30 टाइम्स, राइट? मिस्टर वॉरेन बफे का दोस्तों ये फेवरेट रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। उनका ऐसा कहना है, उनकी ऐसी इन्वेस्टमेंट थेसिस है कि जब शेयर मार्केट क्रैश होता है तो शेयर्स की प्राइसेस कम हो जाती, तब आपको वही कमाई, क्योंकि यार कमाई तो वापस से कम बैक कर ही लेती। जैसे आज मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स का प्राइस क्रैश होता है, रिसेशन आता है, प्राइस क्रैश होता है, तो प्राइस भी गिरती है और अर्निंग्स भी गिरती है। लेकिन अर्निंग्स तो फिर से कम बैक कर लेती है 1 या 2 साल में, क्योंकि रिसेशन कोई परमानेंटली 10 साल तक तो चलता नहीं। रिसेशन 1 या 2 साल ज्यादा से ज्यादा चलेगा और वापस से कंपनी कम बैक कर लेगी। तो आपने ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जिसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कम हो। इसके भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, बट बेसिक उनकी क्या थेसिस है जिससे उन्होंने लंबे समय में इतना सारा पैसा कमा लिया। उन्होंने कहा ऐसी कंपनी चुनो जिसमें अर्निंग का आपको कम गुना आज देना पड़े। सपोज करो कि एक कंपनी है जिसका कि शेयर का प्राइस है कितना, 100 1000, और उसकी अर्निंग कितनी है, वाह, 5 साल में पैसा वापस, 200 रुपीज की अर्निंग्स है और 1000 रुपीज का शेयर। आज मैं जरूर 1000 दूंगा, लेकिन 200 200 की कमाई में 5 साल में मेरा पे बैक आ जाएगा, और फिर उसके बाद तो पैसा फ्री हो गया ना एक तरीके से, राइट? और अगर काश यही कंपनी मुझे 1000 की जगह कितने पर मिल जाए, और अच्छा 600 दिए, 3 साल में पैसा वापस, और उसके बाद फिर जिंदगी भर फ्री में कमाई, राइट? तो जितना प्राइस टू अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जितना प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कम रहेगा उतना आप सेफ रहोगे, क्योंकि आप उतना ओवर प्राइस नहीं पे किए हुए हो, ठीक है? अगर दोस्तों यही 50 रुपीज के ईपीएस पर आपने 15000 का प्राइस पे करा, भगवान बचाए आपको, क्योंकि आप कितना गुना पे कर चुके हो, 300 गुना। अडानी, अडानी आपने तो सुना ही, अडानी सागा। अडानी के शेयर्स के पी रेशो पता है कितने हो गए थे, 300 400 500, ऐसा पी रेशो चल रहा है, मतलब कमाई इतनी इतनी सी, और मार्केट प्राइस कितना, इतना बड़ा। अब आप अगर इतने हैवी प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो भगवान ही बचाए आपको, क्योंकि आप उतनी सी कमाई के लिए, इतनी सी कमाई के लिए इतना गुना प्राइस दे रहे हो, है ना? हालांकि कभी कभी वो जस्टिफाइड होता है, बट आई डोंट फील कि 300 400 गुना कोई जस्टिफाइड नंबर होता है, राइट? तो दोस्तों आपने देखा ही होगा हाल ही में अडानी के शेयर्स कितनी बुरी तरीके से क्रैश हुए हैं, राइट? तो इतना क्रैश होने के बावजूद भी अभी उनके जो पी रेशियो है वो अभी भी 100 से ऊपर चल रहे हैं। मुझे चेक करने दो, मैं यहाँ पर एक शेयर चेक करता हूँ, अडानी ग्रीन ना एक शेयर है, अडानी ग्रीन देखते चलो, अडानी, ओके। कल लगा पर सर की, मतलब करते हो शेयर मार्केट में, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी एंटरप्राइजेस देख लेते हैं। देख रहे हो आप, ये मैंने 1 ईयर का चार्ट यहां पर ओपन करा, और वो कहां से देखो पहाड़ पे एकदम सीधे 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 नीचे आ गया। इस पॉइंट पर जब शेयर था तो उसका प्राइस था रफली 3600 या फिर 4000 के आसपास, आपको नजर आ रहा हो प्राइस 36.4, है ना? और कहां आ गया अभी, करेंट प्राइस देखो 1371। और 1 मिनट पीई रेशियो देखें जरा, 75 कब है, अभी 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 जब शेयर का प्राइस है 1300, सोचो जब 4000 था शेयर का प्राइस तो कितना होगा पीई रेशियो। तो जब आप हाई पीई रेशियोज में इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क बहुत ज्यादा होती है, इज दैट क्लियर, राइट? क्योंकि आप खुद ही कॉमन सेंस से सोचो ना कि जो कमाई है उसका कुछ गुना ही तो इंसान देगा, राइट? और अगर आप 400 400 और 500 500 गुना दोगे तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है। अभी और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, बट यस, मैंने एक वर्ड बोला, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मैंने क्या वर्ड बोल दिया, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मैं कौन सी कंपनी में पैसा लगाना पसंद करूंगा जिसके पीई रेशियोज हाई होंगे या जिसके पीई रेशियोज कम होंगे, ताकि यार मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनेगा ना, क्लियर, राइट? ओके, तो दोस्तों यहां पर
पीई रेशियो हमने देखा, पीई रेशियो बताता है कि अर्निंग का कितना गुना आज आप दाम पे कर रहे हो, राइट। अब दोस्तों कुछ डिटेल डिस्कशन हो जाए यहाँ पर पीई रेशियो के बारे में, हम 360 डिग्री डिस्कशन करने वाले हैं। सपोज करो कि मुझे एक लोकल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, एक लोकल आईटी कंपनी है, और वो कह रही कि सर हमें एक्सपेंशन के लिए फंड्स की ज़रूरत है, और हम स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने लिस्टिंग करवाई तो बहुत सारी रूल्स रेगुलेशंस हमारे ऊपर लगने लग जाती है। अभी हम एज अ प्राइवेट कंपनी ही ग्रो करना चाहते हैं, बट ग्रोथ करने के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत है। बैंक से तो जितनी हमारी लिमिट थी हम उतना बोरो कर चुके, बट बैंक भी एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड, आपको जब आपका डेट इक्विटी रेशियो एक लेवल को क्रॉस कर जाता है तो फिर बैंक भी फंडिंग देना बंद कर देती, अनलेस आप अडानी हो, तो बैंक आपको फंडिंग देना बंद कर देती है, राइट। तो फिर ऐसे केस में आपको अपना इक्विटी बेस स्ट्रांग करना पड़ता है फंड रेज करके, राइट। तो ये लोकल कंपनी मेरे पास आई है, इसका नाम है दोस्तों लोकल आईटी कंपनी, मतलब इनका नाम ही क्या है, लोकल आईटी कंपनी, इन्होंने नाम रख दिया कंपनी का। तो ये लोकल आईटी कंपनी अब हमारे पास आई है और कहती कि हमारे शेयर में पैसा लगाइए। इनके शेयर शेयर बाजार में लिस्टेड तो है नहीं, तो मार्केट प्राइस तो अवेलेबल नहीं है। अब मुझे देखना है कि इस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए आखिर मैं कितना रुपया इन्हें, क्योंकि मुझे कुछ रुपीस देने पड़ेंगे, वो लोग मुझे शेयर अलॉट करेंगे, राइट। सबसे पहले मैंने उनसे पूछा, आपका इनकम स्टेटमेंट में जरा अर्निंग पर शेयर तो बताइए कि कितना है अर्निंग पर शेयर। उन्होंने बताया कि सर हमारा अर्निंग पर शेयर है 10 रुपीज। उन्होंने कहा हमारा अर्निंग पर शेयर कितना है 10 रुपीज। अब मैं सोच रहा हूं कि आखिर मैं इस कंपनी के शेयर के लिए कितना दाम दूं। मैं बोलूं उससे पहले उस लोकल आईटी कंपनी के सीईओ ने ही बोल दिया, सर इट इज वेरी सिंपल, इन्फोसिस का पीई रेशियो कितना है 30 टाइम्स, मतलब इन्फोसिस की कमाई का 30 गुना दाम लोग देने को तैयार है, मेरी कंपनी की कमाई कितनी है 10 रुपीज, राइट। तो क्योंकि मेरी कंपनी की कमाई है 10 रुपए, तो उसका 30 गुना, भाई वो भी आईटी कंपनी मैं भी आईटी कंपनी, तो अगर मेरा अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज है तो मेरे शेयर का मार्केट प्राइस आपको क्या लगाना चाहिए, क्या आंकना चाहिए, 300 रुपए आंकना चाहिए, इज दैट क्लियर। क्योंकि वो भी आईटी कंपनी मैं भी आईटी कंपनी, उसकी कमाई अगर चाहोगे तो 30 गुना दाम देना पड़ेगा, मेरी कमाई का आप मुझे 30 गुना दाम दे दीजिए, यानी मेरे शेयर का फेयर प्राइस कितना आ गया 300 रुपीज। आप बताइए अगर आपके पास सपोज करो कि 1 करोड़ रुपए रखें, कहाँ पैसा लगाना आप पसंद करेंगे, इन्फोसिस या लोकल आईटी कंपनी, है ना। आप बोलोगे आप, आपका नाम क्या है पहले तो आप वो देखो, यू आर अ लोकल आईटी कंपनी, आपके कितने प्रोजेक्ट चलते हैं, 5-7 प्रोजेक्ट चलते हैं, और वो देखो वो कौन है, इन्फोसिस, ये कितने सारे प्रोजेक्ट्स, कितने सारे क्लाइंट्स हैं। कल को अगर यूएस में या यूरोप में रिसेशन आया और आपका एक भी क्लाइंट इधर उधर हो गया, तो आपकी जो 10 रुपए की अर्निंग दिख रही है सीधे ड्रॉप होकर 5 रुपीज भी हो सकती है, 2 रुपए, और आप तो लॉस में भी आ सकते हो, लेकिन ये है इन्फोसिस, ये एक स्टेबल कंपनी, राइट। और बाकी सारी बातें छोड़ो, अगर मुझे अर्निंग का 30 ही गुना देना है तो फिर मैं इंफोसिस की अर्निंग का 30 गुना दे दूंगा, इज दैट क्लियर। तो क्या लोकल आईटी कंपनी को वो प्राइस अर्निंग्स रेशियो मिलेगा जो एक ब्रांडेड रेप्यूटेड कंपनी को मिलता है, नहीं, क्योंकि यहां पर रिस्क ज्यादा है। तो इसलिए हम यहां पर शायद 30 टाइम्स का पीई रेशियो उन्हें देने की बजाय, शायद आई मीन जस्ट आई एम टेकिंग नंबर, कि 20 टाइम्स हम फिर भी आपको देंगे, मतलब अगर आप आपका शेयर हमें कितने में अलॉट करते हैं, हाँ 200 रुपीज में अगर आप अलॉट करते हैं देन वी माइट बी इंटरेस्टेड इन परचेजिंग योर शेयर्स, बट इफ यू आर आस्किंग 300 देन आई वुड बेटर इन्वेस्ट माई मनी इन इन्फोसिस, राइट। दोस्तों जब मैं सीए बना था 2005 में, इंटरव्यू था मेरा मुंबई में, कैंपस इंटरव्यू, और कैंपस इंटरव्यू में मुझसे देखना क्या सवाल पूछा, कैंपस इंटरव्यू में उन्होंने सवाल पूछा, और ये रियल किस्सा है ना, उन्होंने बोला मिस्टर प्रवीण देयर आर टू कंपनीज, कंपनी ए कंपनी बी, वन हैज अ पीई रेशियो ऑफ 20 टाइम्स, अनदर कंपनी हैज अ पीई रेशियो ऑफ 15 टाइम्स, नाउ टेल मी वॉट, नाउ टेल मी वाई इज देयर अ डिफरेंस एंड वॉट विल यू डू, डिफरेंस क्यों आ रहा है और अब आप क्या करेंगे,
20 टाइम्स एक का पी रेशियो और एक का कितना है 15 टाइम्स। उन्होंने मुझसे बोला कि नाउ कमेंट, बेसिकली उन्होंने ये इंटरव्यूअर क्या करते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं, डेटा दे देते और बोलते नाउ कमेंट, अब जो आपके दिमाग में आ रहा है सब बोलो, राइट। उन्होंने बोला नाउ कमेंट, आई सेड सर 20 टाइम्स फर्स्ट कंपनी का पी रेशियो इधर कितना है 15 टाइम्स। सो मैंने कहा, मैं जस्टिफाई करने लगा कि पहली कंपनी का आखिर पी रेशियो ज़्यादा है तो क्यों है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला होगा, सर द फर्स्ट कंपनी माइट बी एंजॉइंग गुड रेपुटेशन, गुड ब्रांड नेम, गुडविल होगी उनकी, एंड दैट्स वाई दे आर कमांडिंग अ हायर पी रेशियो, बिकॉज अदर थिंग्स बींग कॉन्स्टेंट, अ कंपनी विच एंजॉयज गुडविल, ब्रांड नेम, रेप्यूटेड कंपनी है, तो उसका पी रेशियो हमने यहां पर देख ही लिया, इन्फोसिस का पी रेशियो 30 टाइम्स रहेगा, राइट। मैंने गलत बोला, सही बोला? सही बोला। इज इट प्रवीण, बोथ द कंपनीज हैव सेम गुडविल, एंजॉयज सेम ब्रांड नेम, एंजॉय सेम रेपिटेशन, नाउ कमेंट। मैंने कहा दोनों ये तो सेम आ गए यार। आई सेड सर द फर्स्ट कंपनी माइट बी हैविंग गुड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, माइट बी हैविंग गुड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, एंड दैट्स वाई इट इज कमांडिंग अ हायर पी रेशियो। आप समझ रहे क्यों ऐसा? क्योंकि अगर ग्रोथ, किसी दोनों कंपनी की ब्रांड नेम अच्छी है, पर एक कंपनी में मुझे ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ ज्यादा नजर आ रही है, तो जिसमें फ्यूचर ग्रोथ ज्यादा आएगी उसका अर्निंग पर शेयर तेजी से ग्रो होगा। एक बात बताना, शेयर का प्राइस कंपनी के ग्रो होने के बाद ग्रो होता है या शेयर का प्राइस तो पहले ही ग्रो हो जाता है ना? शेयर का प्राइस बिल्कुल फोरकास्टिंग बेसिस पर चलता है, और अगर लग रहा है कि कंपनी ग्रो करने वाली, तो शेयर का भाव इंतजार नहीं करता, वो आज ही बढ़ जाता है फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस को लेकर। सो आई सेड द फर्स्ट कंपनी माइट बी हैविंग हायर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस, एंड दैट्स व्हाई उसका शेयर खरीदने के लिए लोग ज्यादा पे करने को तैयार है, और क्योंकि उसका मार्केट प्राइस अब पुश अप हो चुका है, दैट्स व्हाई इट इज कमांडिंग हायर पीई रेशियो। मैंने गलत बोला? मैंने सही बोला। सही बोला, द फर्स्ट कंपनी माइट बी हैविंग हायर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स एंड दैट्स व्हाई इट इज कमांडिंग अ हायर पीई रेशियो। इज इट प्रवीण, बोथ द कंपनीज हैव सेम ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, व्हिच मींस कि अगर पहली कंपनी भी 8% से ग्रो होने वाली, तो दूसरी भी 8% से ग्रो होने वाली। हाँ जी, दो हथियार चलाए मैंने, दो तीर लगाए, दोनों तीर उन्होंने कट कर दिया। पहला तो बोला ब्रांड नेम सेम और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी सेम। इंटरव्यू चल रहा, बहुत ऐसा दिल की धड़कनें तेज रहती है कि यार अच्छा उनके दिमाग में क्या है, वो क्या आंसर चाह रहे हैं, तो मुझे भी नहीं मालूम है। और पहले का पी रेशियो 20 है और इसका 15 है, और बोल रहे हैं कमेंट, और मैंने बोला ब्रांड नेम अच्छी, बोले नहीं बराबर है, मैंने बोला ग्रोथ अच्छी, बोले नहीं बराबर है। तीसरा मैंने क्या बोला होगा, मैंने बोला रिस्क। सर जो फर्स्ट कंपनी है ना, उसमें जो परसीव्ड रिस्क है, द परसीव्ड रिस्क लेवल इन द फर्स्ट कंपनी माइट बी लेस, एंड दैट्स व्हाई इट इज हैविंग हायर पी रेशियो। परसीव्ड रिस्क, परसीव्ड रिस्क मतलब रिस्क का फील आना कि यार फर्स्ट कंपनी में ना सेफ है यार ये कंपनी, राइट। इसका सिंपल सा एग्जांपल है दोस्तों, जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करते हो और आप यस बैंक में जाकर एफडी, कहां ज्यादा सेफ फील करोगे? फिर भी मतलब कहां सेफ ज्यादा फील करोगे, एसबीआई में, है ना? अब देखना इसका एग्जाम्पल क्या है, एसबीआई में लाख रुपए लगाओगे तो एसबीआई वाला ब्याज कम देगा, 1 लाख रुपीज अगर हम एसबीआई में लगाएंगे तो 7,000 ही इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर यस बैंक में 1 लाख रुपीज लगाएंगे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 8,000 सपोज, ज्यादा मिलेगा। हाँ, तो अब इनका जरा पीई रेशियो कैलकुलेट करो ना, वहां पर 1 लाख लगाने पड़ रहे हैं एसबीआई में 7 की इनकम के लिए, यानी 1 लाख डिवाइडेड बाय 7,000 रफली 13 टाइम्स, 13 पॉइंट कुछ, और इधर 1 लाख रुपीज लगाकर कितनी ज्यादा इनकम मिल रही, तो क्योंकि डिनोमिनेटर यहां बड़ा है तो यहाँ पीई रेशियो कम आ जाएगा ना। अच्छा, यस बैंक को एसबीआई से तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अर्निंग ज्यादा देनी पड़ेगी, इज दैट क्लियर? अर्निंग जैसी बढ़ गई तो पीई रेशियो यस बैंक का कम आया ना एक तरीके से, है ना? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो चीजें सेफ होती है उस पर आप कम अर्निंग में भी सेटिस्फाई हो जाते हो कि चलो मेरा पैसा सेफ है, राइट। जैसे इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, एक स्टॉक है दोस्तों आईआरएफसी, बाय चांस आपने सुना हो आईआरएफसी, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन, राइट। ओके, तो इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन में आपका अगर आपने पैसा लगाया तो डूब जाएगा, या फिर भी थोड़ा
फिर भी थोड़ा सेफ रहेगा, राइट। तो दोस्तों आईआरएफसी इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन का यहां पर हम पी रेशियो देखते हैं कितना है, 5 टाइम्स है, इज दैट क्लियर, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि यार ये कंपनी सेफ है ना, तो फिर हम इस पे थोड़ा सा ज्यादा प्राइस भी दे देंगे तो चलेगा, है ना। अभी आप पूछ रहे होंगे फिर आईआरएफसी का पी रेशियो इतना कम क्यों है, शायद इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स उतने नहीं होंगे। गुडविल, ब्रांड नेम, रेपुटेशन तो बहुत अच्छी आईआरएफसी की, क्योंकि ये सीधे किसको फाइनेंस करती है, इंडियन रेलवेज को फाइनेंस करती है, राइट। लेकिन इसका पी रेशियो कम होने के दूसरे रीजंस हो सकते हैं जिस पर अभी हम आने वाले हैं, राइट। तो यहां पर मैं क्या डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें परसीव्ड रिस्क कम है ना। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, क्या हुआ अपना फर्स्ट लेक्चर है, मैंने आपसे जाते जाते बोला कि बच्चों एक स्कीम है मेरे पास, आज आप मुझे 100 रुपीज़ दो, मैं आपको 10 रुपये, आज आप मुझे 100 रुपीज़ दो, मैं आपको 10 रुपीज़ हर साल दूंगा दूंगा, देता ही चला जाऊंगा, राइट। आपने बोला यार बढ़िया है, 100 रुपीज़ की प्राइस सर आज ले रहे हैं और उसके बदले में अर्निंग कितनी देते जाएंगे, 10, यानी पी रेशो कितना बन रहा है, 10। जैसे ही हमारी बैच छूटी, आप इस बिल्डिंग से नीचे उतरे, रास्ते चलते किसी भाई साहब ने आपको रोका, भाई साहब वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आप उसके लिए अनजान, वो आपके लिए अनजान, भाई साहब एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आज आप मुझे 100 रुपीज़ देंगे तो मैं आपको 10 रुपीज़ दूंगा। सपोज करो कि 100 रुपीज़ कंपल्सरीली अब आप या तो आपको उसको देने या फिर मुझे देने, आप किसको दोगे, देखिए नाम मत खराब करना, तो आप मुझे ही दोगे, थोड़ा तो भरोसा है। तो वो जो सामने वाला बंदा है ना, वो अगर 100 मांगकर आपको 10 ही देगा तो आप बोलोगे फिर इससे तो प्रवीण सर ही अच्छे, कम से कम भरोसा तो है। उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, 10 की जगह थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको रिस्क ज्यादा है। तो आप बोलेंगे बॉस 100 देकर हम 10 कमाने तो उधर ही चले जाएंगे, 100 देकर 11 दो या 100 देकर 12 दो, तो 100 अपॉन 12 कितना होता है, कुछ 8.33 ऐसा कुछ आता है। तो जहां रिस्क ज्यादा होती है उस बंदे में रिस्क ज्यादा है, उस बंदे में क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो उसका पीई रेशो कम आ जाएगा, इज दैट क्लियर। तो जहां रिस्क ज्यादा होती है वहां पर पीई रेशोस कम आ जाते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसी कंपनीज है जिसको बहुत ही सेफ माना जाता है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप डेली बेसिस पर यूज करते होंगे, पॉन्ड्स पाउडर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, डव सोप आ गया, पेयर्स आ गया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो ऐसे तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये स्टेबल है, इनका कंजम्पशन कभी कम नहीं होता। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक तरीके से सेफ कंपनी, और सेफ कंपनी तो उसका पी रेशो ज्यादा होगा। पता है आप में से किसी को कि HUL का पी रेशो लगभग कितना है, 60 टाइम्स के आसपास। अरे वाह, फिर तो आपको बहुत मजा आएगा ये चीज देखने में। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का आप पीई रेशो देखिए, आप देखकर चौंक जाएंगे कि कितना पीई रेशो है। कितना पीई रेशो दिख रहा है, 58.78, रफली 60 टाइम्स। नेस्ले का पीई रेशो आप देखिए, नेस्ले का पीई रेशो तो इससे भी बहुत आगे, और एक नेस्ले इंडिया कितना पीई रेशो, 75 टाइम्स। डीमार्ट आपने सुना हुआ है, ये सारे कैसे बिजनेसेस है, सेफ बिजनेसेस है, रेसेशन भी आया तो इन पर कोई आंच नहीं आती। ओ 95 टाइम्स। एशियन पेंट्स यही लगभग 90-100 ऐसे पी रेशो चलते, यानी 1 रुपए की कमाई के लिए 100 रुपए आज देने पड़ रहे हैं, 1 रुपए की कमाई के लिए कितने देने पड़ रहे हैं, 100 रुपए। सेफ्टी की कीमत है, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर कितना भी रिसेशन आ जाए आपको जो उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने हैं वो करने, और प्राइसिंग पावर है। अगर आप डव सोप यूज करते हैं, पियर्स यूज करते हैं, उन्होंने 5 रुपये प्राइस बढ़ा भी दी ना, साबुन चेंज नहीं कर लोगे आप, तो वो कैसे स्टिकी बिजनेस है कि आप अगर वो कर रहे हो यूज, तो आपको जैसे नेस्ले मैगी चलता ही चलता है, और उन्होंने टेस्ट ही ऐसा डेवलप करा कि हर किसी को पसंद आता है। तो ऐसे ये जैसे ही मैंने पेंट्स वर्ड बोला, आपके दिमाग में पहला ही नाम क्या क्लिक हुआ,
एग्जैक्टली राइट. तो वो ब्रांड नेम है, गुडविल है और सेफ है, जिसकी वजह से उनके प्राइस अर्निंग्स रेशियो इतने ऊपर चलते हैं. एग्जैक्ट क्लियर. तो तीसरा जो मैंने उधर इंटरव्यू में जवाब दिया वो मैंने क्या कहा, सर द कंपनी विच इज हैविंग अ पी रेशियो ऑफ 20 times माइट बी परसीव्ड लेस रिस्की बाय द इन्वेस्टर्स एंड दैट्स वाई दे आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम प्राइस, अ हायर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो. He said, "Praveen, both the companies have same perceived risk level. Now comment." मैंने कहा एक मिनट, गुडविल ब्रांड नेम सेम कर दिया और ग्रोथ भी आप बोल रहे दोनों की सेम है, फिर मैंने बोला रिस्क तो आपने बोला कि रिस्क भी दोनों की सेम है. यार ये तो जॉब का सवाल था. अभी तो आपके पास फिर भी कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं राइट, बट उस वक्त तो बहुत कम प्लेटफॉर्म होते थे जॉब के. सर द फर्स्ट कंपनी माइट बी अ लार्ज कंपनी विच इज वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी, क्योंकि जब वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी होगी तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी रखेगी और ज्यादा स्टेबिलिटी की कीमत होती है. फ्लक्चुएशन में रिस्क ज्यादा लगती है और स्टेबिलिटी की कीमत होती है. तो दैट माइट बी अ लार्ज डाइवर्सिफाइड कंपनी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड दैट्स वाई पीपल आर रेडी टू पे अ हायर प्राइस फॉर इट्स शेयर्स एंड दैट्स वाई हायर पीई रेशियो. ही सेड बोथ द कंपनीज आर इक्वली डाइवर्सिफाइड. मैंने कहा बहुत हो गया. क्या 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 क्या, गुडविल रेपुटेशन ब्रांड नेम सेम बोल रहे हो, ग्रोथ सेम बोल रहे हो, इधर परसीव्ड रिस्क आप सेम बोल रहे हो, दोनों का स्केल ऑफ ऑपरेशन भी सेम है. देखो जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस का स्केल ऑफ ऑपरेशन थोड़ा बड़ा है, डाइवर्सिफाइड है तो स्टेबल है, तो हम बोलेंगे ठीक है यार सेफ्टी फील है राइट. मैंने कहा अभी ये बहुत हो गया. मैंने कहा अब मैं अगर कुछ भी बोलने वाले हूँ ना, कोई भी डिफरेंस बोल दिया ना, सामने वाला बंदा क्या बोलने वाला है, प्रवीण इट्स सेम राइट. मैंने बोला अब ये वाला हथियार नहीं चलेगा. मैंने बोला इफ एवरीथिंग इज सेम बिटवीन दिस टू कंपनीज देन द फर्स्ट कंपनी इज ओवर वैल्यूड एंड सेकेंड कंपनी इज अंडर वैल्यूड. सब सेम है ना, तो ये 10 रुपीज की कमाई दे रही है और ये भी 10 रुपीज की कमाई दे रही है, तो इस 10 रुपीज की कमाई का मुझे 20 times यानी 200 देना पड़ रहा है और इस 10 रुपीज की कमाई के मुझे 15 times यानी 150 देना पड़ रहा है. जब 10 रुपीज की कमाई की क्वालिटी सेम है, दोनों कंपनीज के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सेम है, रिस्क लेवल सेम है, ब्रांड नेम गुडविल रेपुटेशन सेम है, सेफ्टी लेवल डाइवर्ड सब सेम है, तो फिर मैं उसी 10 रुपए की कमाई के लिए 20 गुना 200 रुपीज क्यों दूंगा. वो ओवर वैल्यूड है, ये अंडर वैल्यूड है राइट. तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, वह कंपनी जिनका प्राइस अर्निंग्स रेशियो कम होता है वो अंडर वैल्यूड होती, ऐसी कंपनी में हमें पैसा लगा लेना चाहिए. इज दैट क्लियर. हाँ, लेकिन हायर पी रेशियो भी जस्टिफाइड होता है, बट डिफरेंस दिखना चाहिए. जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर में डिफरेंस दिखेगा तो उसका हम थोड़ा हायर पी रेशियो भी देने को तैयार हो जाएंगे. डीमार्ट का पी रेशियो इसलिए ज्यादा क्योंकि उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट है. हिंदुस्तान यूनिलीवर का पी रेशियो इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि गुडविल ब्रांड नेम रेपुटेशन है, इतने समय से चली आ रही है, स्टेबल कंपनी है. डीमार्ट का पी रेशियो इसलिए ज्यादा है क्योंकि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आप देख रहे हैं ना, हर नए नए शहर में नए नए डीमार्ट के स्टोर्स ओपन होते जा रहे हैं और लोगों की किराना दुकान बंद होकर सारा ट्रैफिक कहाँ डाइवर्ट हो रहा है, डीमार्ट पर, क्योंकि इतने ल्यूक्रेटिव डिस्काउंट्स दे पा रहे हैं. तो क्योंकि डीमार्ट के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं इसलिए उनका पी रेशियो ज्यादा है राइट. लेकिन अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी एवरेज हैं और गुडविल ब्रांड नेम रेपुटेशन भी ऐसी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सारी चीजें एवरेज है, तो फिर ज्यादा पी रेशो जस्टिफाइड नहीं, फिर तो वो कंपनी ओवर वैल्यूड है. इज दैट क्लियर. बातें समझ में आई आपको, पी रेशो के बारे में कुछ कोई सवाल है आपके मन में, पीई रेशो से रिलेटेड तो पूछिए. चलिए दोस्तों, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर, पीई रेशो से रिलेटेड सारी की सारी चीजें राइट. एक्सप्लेनेशन ऑफ पीई रेशियो. अ कंपनी हैविंग गुडविल ब्रांड नेम
Reputation. Enjoys higher PE ratio. ठीक है, और इसीलिए प्रैक्टिकली अपना गुडविल, अपना ब्रांड नेम और शेयर मार्केट में अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए कंपनियां, क्योंकि जब उनकी रेपुटेशन रहेगी तभी उन्हें पीई रेशियो ज्यादा मिलेगा, और पीई रेशियो ज्यादा मिलेगा मतलब प्राइस उनकी बढ़ी हुई रहेगी। तो इसलिए कंपनीज इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहती, क्योंकि एक बार इन्वेस्टर के साथ आपने विश्वासघात किया तो आपके पीई रेशियोज परमानेंटली नीचे आ जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा ने आज से 1 साल पहले एक अनाउंसमेंट करा कि हम एक कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं, और उस कंपनी को अक्वायर करने के लिए हम 550 करोड़ रुपए पे कर रहे हैं। एकदम से उनके शेयर का प्राइस 10 से 15% क्रैश हो गया, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इस पर रेड फ्लैग रेज करा कि वो जो कंपनी जिसको आप एक्वायर कर रहे हो, एक तो वो आपकी रिलेटेड पार्टी वाली कंपनी है, और ये जो आप प्राइस पे कर रहे हो ये ज्यादा है। तो बाद में उन्होंने हालांकि डील कॉल ऑफ कर ली, लेकिन इन्वेस्टर्स को तो लगा ना कि यार ये इनके इंटेंशंस आखिर वो नजर आ गए। तो अब औरोबिंदो फार्मा का पीई रेशियो परमानेंटली कम चलता है, क्योंकि फिर यार कौन ऐसी रिस्की कंपनी में जहां पर हमें विश्वास ही नहीं है कि ज्यादा प्राइस आखिर कौन पे करेगा। तो यू हैव टू मेंटेन इन्वेस्टर ट्रस्ट ताकि आपका पीई रेशियो, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, या फिर टाटाज हुए, या फिर मारुति सुजुकी हुआ, या नेस्ले हुआ, ये लोग कभी ऐसा ऐसा कॉरपोरेट गवर्नेंस कहते हैं इसको, कॉरपोरेट गवर्नेंस में कभी गलत काम नहीं करते, क्योंकि वो एक बार किया कि परमानेंटली आपके पी रेशियोज नीचे आ जाते, मतलब फिर अच्छा वैल्यूएशन आपकी कंपनी को नहीं मिलता है। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, ये तो मैंने पहला जवाब दिया था। दूसरा मैंने क्या जवाब दिया था? ग्रोथ का है ना, अ कंपनी हुज एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज हाई विल हैव हायर पीई रेशियो। चाहे तो आप एग्जाम्पल भी लिखते जाए, जैसे फर्स्ट में हमने एग्जाम्पल देख लिया नेस्ले, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, गुडविल, ब्रांड नेम, रेपुटेशन सब बढ़िया है, राइट? या फिर हायर ग्रोथ रेट का मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ डी मार्ट, क्योंकि अभी तो कई सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर अभी भी डी मार्ट के स्टोर ओपन होने बाकी है, या हमारे ही शहर में अगर एक साइड में से वेस्ट साइड में ओपन हो गया तो अभी ईस्ट साइड में, नॉर्थ साउथ, ऐसा बहुत सारा स्कोप अभी ग्रोथ का उसमें बाकी है। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए उनके शेयर की प्राइस अभी से ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा होने वाली। तीसरा मैंने क्या बोला था? परसीव्ड रिस्क, राइट? अ कंपनी हुज परसीव्ड रिस्क, यानी इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं कि कितनी रिस्क है, राइट? हुज परसीव्ड रिस्क लेवल इज लो विल हैव हायर पीई रेशियो, जिसमें ऐसा लगे यार इसमें तो कुछ खास रिस्क ही नहीं है इस बिजनेस में। तो फिर इस बिजनेस में जिसमें कुछ खास रिस्क ही नहीं है, तो ऐसे बिजनेसेस के पीई रेशियोज ज्यादा चलते हैं। और अगेन इसके बिजनेसेस का एग्जाम्पल है एफएमसीजी कंपनीज, क्योंकि रिसेशन आ जाए चाहे डिप्रेशन आ जाए, एफएमसीजी कंपनीज जो हैं उनका प्रोडक्ट चलता ही रहता है। या फिर इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, सपोज करो ब्रिटानिया, ब्रिटानिया का भी पी रेशो अच्छा खासा ही चलता है, मतलब 50 गुना, 70 गुना, 70-80 टाइम्स। क्योंकि क्या रहता है कि बिस्किट्स बनाने वाली कंपनी है, क्या है, दो दो कंपनीज हैं मेनली, पार्ले और ब्रिटानिया, जिसमें पार्ले लिस्टेड नहीं है, ले देकर एक ही ऑप्शन है अगर पैसा लगाना है तो ब्रिटानिया, राइट? अच्छा, ब्रिटानिया के जो बिस्किट्स है इतने समय से चले आ रहे हैं, अपने बचपन से चले आ रहे हैं, राइट? तो और चलते ही चले जाएंगे, बढ़िया क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, राइट? तो ऐसे केसेस में ऐसी कंपनी इसका जो रिस्क लेवल रहता है वो लो रहता है, क्योंकि रिसेशन आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, बिस्किट्स का जो कंजम्पशन है वो मोर और लेस सेम ही रहता है, राइट? तो ऐसे बिजनेसेस जिसमें रिस्क कम है वहां पर पी रेशियो ज्यादा चलते हैं, राइट? फिर इसके बाद एक और मैंने क्या बोल दिया था वहां पर,
वेल डाइवर्सिफाइड लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स, इनके पी रेशियोज थोड़े ऊपर साइड पे ही चलते क्योंकि बहुत सेफ रहती कंपनीज। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी में आप थोड़ा कम ब्याज में भी संतुष्ट हो जाओगे, कम अर्निंग में भी आप पूरा पैसा दो दोगे, और यस बैंक में एफडी करोगे तो आप बोलोगे थोड़ी ज्यादा चाहिए अर्निंग, राइट? वैसे सो अ कंपनी, इसको ऐसा लिखते हैं, अ वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी डूइंग बिजनेस एट लार्ज स्केल विल जनरली हैव हायर पीई रेशियो, क्योंकि क्या रहता है, बड़ी कंपनियों के डूबने के चांसेस कम होते हैं। बड़ी कंपनीज के डूबने के चांस, नहीं डूब हर कोई सकता है, बट डूबने के चांसेस बड़ी कंपनी के, लोकल आईटी कंपनी और इंफोसिस में कौन पहले डूबेगा, अगर डूबेगा तो इज दैट क्लियर, तो छोटे मोटे प्लेयर ही पहले डूबते हैं, राइट? तो बड़ी कंपनीज के पीई रेशियो इसलिए फिर भी टिके हुए रहते हैं। और इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, जब शेयर मार्केट क्रैश होता है ना, तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज होती है, छोटी कंपनीज होती है, लार्ज कैप कंपनीज फिर भी गिरती सब है लेकिन कम गिरती है, इज दैट क्लियर, क्योंकि वो बड़े स्केल पर काम कर रही, ठीक है? और फिर जब मैंने इतनी सारी बातें उस इंटरव्यूअर को बोल दी और मैं समझ गया कि बंदा अब मैं कुछ भी बोल दूंगा तो वो बोलेगा सब सेम, तो मैंने क्या बोला, अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टेंट, अ कंपनी हैविंग लोअर पीई रेशियो, अ कंपनी हैविंग लोअर पीई रेशियो इज, मैंने क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर ली थी, अंडर वैल्यूड, एंड अ कंपनी हैविंग हायर पीई रेशियो इज ओवर वैल्यूड। भाई सारी चीजें अगर सेम है तो फिर मैं उसी चीज के लिए ज्यादा गुना प्राइस, जब वही चीज कम दामों में मिले तो कोई यही ले, वो क्यों ले, राइट? वैसी बात आ जाती। तो मिस्टर वॉरेन बफे क्या कहते हैं, स्टेबल कंपनी देखो, बढ़िया कंपनी देखो, गुडविल रेपुटेशन देखो, पर सस्ती देखो, और मिल जाती कंपनियां सस्ते में। जब कोविड का क्रैश हुआ था ना 2020, कितने सस्ते में मिल रहे थे शेयर्स, मैंने खरीद लिए थे। तो क्या होता है कि आपको बड़ी कंपनीज में पैसा लगाना है, अच्छी कंपनीज में पैसा लगाना है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू पे अ रीजनेबल प्राइस। दैट इज द की टू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट्स। की टू सक्सेस ये नहीं कि रिलायंस की टिप आई 2312 पर खरीदो, टारगेट ये स्टॉप लॉस ये है, उसमें तो स्टॉप लॉस ही हिट होगा। तो बेसिकली आपको अच्छी कंपनीज देखनी है और रीजनेबल वैल्यूएशन पर देखनी। अभी अडानी के केस में सेम हुआ, कंपनीज बढ़िया है, ऐसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये कि वैल्यूएशन स्काई रॉकेट हो गए थे अडानी में। ऐसा नहीं कि बिजनेस में प्रॉब्लम है, अडानी के बिजनेसेस में प्रॉब्लम नहीं, बिजनेसेस हैं, बट वैल्यूएशन कितना ऊपर चला गया, राइट? तो पी रेशियोज उनके आसमान छू गए सारी कंपनी के, 300-300, 400-400, 500-500, राइट? तो ऐसे केस में अब हमें हाथ नहीं डालना चाहिए, वी हैव टू स्टे एट द शोर, हमें किनारे बैठना चाहिए कि ठीक है, राइट? सो यू हैव टू लुक फॉर रीजनेबल कंपनीज। जैसे मैंने यहां पर अभी आपको एक आईआरएफसी का स्टॉक दिखाया था, राइट? आईआरएफसी का बिजनेस आप जानते हैं क्या है, ये बेसिकली बाहर से फंड रेस करता है और इंडियन रेलवेज को देता है, दैट्स इट। बाहर से फंड रेस करता है 6% पर और इंडियन रेलवेज को दे देता है 6.4% पर। इंडियन रेलवेज को फंड्स की जरूरत होती है ट्रैक्स के लिए, लोकोमोटिव्स के लिए और वो सब सारी चीजों के लिए इंडियन रेलवेज को पैसा लगता है ना, एक्सपेंशन करना है, नई नई ट्रेन वंदे भारत लानी रहे। बिजनेस मॉडल कंप्लीटली सेफ है, क्यों कंप्लीटली, क्योंकि आप किसको फाइनेंस कर रहे हो, इंडियन रेलवेज। 100% इनका एक ही क्लाइंट है, कौन, इंडियन रेलवेज। मतलब ये इंडियन रेलवेज की डेडिकेटेड आर्म है कि इंडियन रेलवेज को फंड चाहिए, वो इनको बोलेंगे, बॉन्ड इश्यू करेंगे बाजार में 6% पर, फंड रेज करेंगे और 6.4% पर दे देंगे। तो बिजनेस मॉडल सेफ है, यस बिजनेस मॉडल सेफ है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले देखना पड़ता है बिजनेस मॉडल कितना सेफ है, कॉम्पिटिटिव रिस्क ना के बराबर है।
कॉम्पिटिटिव रिस्क ना के बराबर, इसलिए क्योंकि जब कोई दूसरी कंपनी बाहर बाजार से पैसा रेस करेगी तो उसको हायर कॉस्ट पे मिलेगा। जब IRFC बाजार से पैसा रेस करता है ना, तो बोलता है मैं किसको फंड करने वाला हूँ, आपको पता है ना, इंडियन रेलवेज। और इंडियन रेलवेज किसका, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। क्या कभी इंडियन रेलवेज पैसा डुबाएगी? कभी भी नहीं डुबाएगी। तो IRFC का NPA 0% है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि नॉन होना ही नहीं ना कभी नॉन परफॉर्मिंग, तो 0% है ना इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट। बैंक्स तो फिर भी लोन देती, तो बैंक के तो लोन डूबते हैं, IRFC का तो लोन ही नहीं डूबता है। तो कितना सुपर सेफ बिजनेस मॉडल है, राइट। बड़े स्केल पर भी ये कंपनी, रफली इनका 3-4 लाख करोड़ रुपीज का इनका लोन साइज है, जो इन्होंने किसको दे रखा है, इंडियन रेलवेज को दे रखा है। तो मेरे क्या क्या पैरामीटर्स हो गए, गुडविल, ब्रांड नेम, रेपुटेशन बढ़िया है, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, फिर परसीव रिस्क लेवल काफी कम है। मतलब इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मैं तो मानता हूं कि ये शेयर ही रिस्क फ्री है। मतलब वैसे स्टॉक मार्केट में रिस्क होती है, बट काइंड ऑफ जो उनका बिजनेस है वो तो रिस्क फ्री के जैसा बिजनेस है ना, और बड़े स्केल पर भी है। तो फिर कायदे से तो इनका पी रेशियो जितना चल रहा है उतना होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, जितना अभी चल रहा है उतना होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा गुना भी हम दाम पे करने को तैयार हो जाएंगे, ज्यादा गुना भी दाम पे करने को तैयार हो जाएंगे। तो यहां पर मैंने जब IRFC यहां पर टाइप करा, तो IRFC का पी रेशियो कितना चलता हुआ नजर आ रहा है, 1 मिनट आया ही नहीं अभी तो। आपको याद है कि कितना था उसका पी रेशियो? 5 के अराउंड था। तो पता है मैं क्या मानता हूं कि अगर मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया तो मुझे 1 रुपए की कमाई के लिए कितना गुना देना है, 5.5 गुना, 5.5 टाइम्स। और बिजनेस में ग्रोथ भी है, यानी आज जो 1 रुपी का सपोज EPS है और मुझे 5.5 रुपीज प्राइस पे करनी है, तो आगे जाकर 1 रुपी का थोड़ी ना रहेगा, अर्निंग पर शेयर तो धीरे धीरे थोड़ा ग्रो करेगा। मतलब मेरा पैसा जो वापस आ जाएगा वो 5 ईयर्स के अंदर अंदर वापस आ जाएगा अर्निंग्स के फॉर्म में। इसका डिविडेंड भी कितना अच्छा है, देखो डिविडेंड यील्ड परसेंट कितना है, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज यानी जो मैं मार्केट प्राइस लगा रहा हूँ उसका 5.23%, तो मुझे डिविडेंड मतलब कमा तो उससे ज्यादा ही रही, और दिख भी रहा है कमा उससे ज्यादा रही है। बिजनेस मॉडल मुझे सुपर सेफ लग रहा है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि इसका पीई रेशियो यही रहना चाहिए या बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, राइट। और जिस दिन मार्केट ने इस चीज को रियलाइज करा, तो पीई रेशियो बढ़ेगा कैसे, उसका शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। सो आई कैन कॉल इट एज एन अंडरवैल्यूड कंपनी। ऑब्वियसली आई हैव टू स्टे इन्वेस्टेड एंड आई हैव टू वेट फॉर अदर पीपल टू नो इट एंड अदर पीपल टू रियलाइज दिस कंपनी, राइट। और इसमें इस शेयर में एक और बात बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है इस शेयर में रफली 85%, तो किसके पास रखे हुए शेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15% शेयर ही बाहर बाजार में, और उस 15% में से भी 10% या 12% के आसपास शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्लस म्यूचुअल फंड्स के पास है, यानी जो मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल हैं वो कम है। अब मार्केट में अगर शेयर्स अवेलेबल कम होंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे, तो शेयर का प्राइस, क्योंकि यार जिस चीज की स्कैर्सिटी होगी और कल को लोग दौड़ पड़ेगी यार मुझे खरीदना है, तो फिर तो नंबर ऑफ शेयर्स तो लिमिटेड, क्योंकि मेन शेयर बड़ा शेयर होल्डर कौन है यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद है यहाँ पर शेयर होल्डर, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे क्राइटेरिया मुझे ऐसे प्लस होते हुए लग रहे हैं। दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैंने खुद ने IRFC का शेयर अभी करीब 6 महीने पहले खरीदा था, और यहाँ पर मैंने खरीदा था 21-22 के आसपास खरीदा था। मतलब मेरे खरीदने का स्टाइल क्या रहता है, मैंने एक आइडेंटिफाई कर लिया शेयर, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी, तो मैं अपना एक टोटल बजट बना लेता हूँ। बजट सपोज मुझे 1 लाख शेयर खरीदने हैं, है ना, इस कंपनी के ओवरऑल, तो मैं क्या करूँगा, 10-10,000 करके या 20,000, 25,000 करके दो तीन चार चंक में शेयर्स उठाऊंगा, राइट। तो मैंने सबसे पहली जो बाइंग करी थी वो 23-24 के बीच में करी थी, फिर उसके बाद 22 के आसपास करी, और यहाँ पर भी मैंने एक बाइंग करी थी 19 से 20 के बीच में। और मैं कुछ ही शेयर्स, मतलब मैं 1 लाख तक तो नहीं पहुंचा, बट मैं 50,000 शेयर्स तक पहुंच गया, मैंने इसके 50,000 शेयर्स खरीद लिए। मेरा और एक्सपेक्टेशन था काश ये और गिर जाए, मुझे इतना सही लग रहा था ना, इन्वेस्टमेंट करने के बाद शेयर गिर रहा है, इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि और गिर जाए। मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग यार 16-17 रुपये आ जाए ना बॉस, अनदर 50,000 शेयर्स खरीद कर अपन कोटा पूरा करेंगे। लेकिन मैं खरीदता उससे पहले एकदम से शेयर का प्राइस कुछ ही समय में शूटअप होकर देखो कितना पहुंच गया था, 35-36 के आसपास पहुंच गया, राइट।
तब जाकर लोगों को पता चला, अच्छा, IRFC एक शेयर है, जैसे आप में से जो बाजार में ट्रेड करते हैं जिन्होंने करा होगा उनको पता चला होगा, खबरें आई थी राइट कि एकदम से IRFC का शेयर, और तब तक मैं ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टमेंट करके बैठा था, 22 मेरी एवरेज कॉस्ट ऑफ बाइंग है, और वो कितना पहुंच गया था, 36। सर आपने बेच, नहीं बेचा मैंने, क्योंकि जो मेरा इंटरनल टारगेट है वो तो थोड़ा और ज्यादा। तो सर फिर उसके बाद तो गिर गया। तो इन्वेस्टमेंट्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन अगर आपने इस शेयर को प्री मैच्योरली सेल कर दिया तो मतलब देखो, रोटी सिकती तो पूरी सिकनी चाहिए, तो है ना। तो अभी क्या हुआ है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया है, वेटिंग की आ रही है, थोड़ा सा और आ जाए ना, जो बची हुई ख्वाहिश थी कि और शेयर्स लेने वो पूरी हो जाएगी। डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप मेरी ओपिनियन पर शेयर ना खरीदें, आपको नुकसान हो सकता है, ये नियम व जोखिम घटकों के अधिनियम। तो दोस्तों इस तरीके से हमें शेयर मार्केट में काम करना चाहिए। मेरी आपको पर्सनल राय ये रहेगी, आप ट्रेडिंग ना करें, उसकी बजाय आप इन्वेस्टिंग करें। जो लोग शेयर मार्केट में आते हैं वो पता है क्या गलती करते हैं, इन्वेस्टिंग नहीं करते, ट्रेडिंग करते, जबकि ट्रेडिंग ज्यादा रिस्की और उसमें बहुत एक्सपीरियंस लगता है। ट्रेडिंग में दो चीजें लगती है जो दोनों ही आपके पास नहीं होती, पहला तो एक्सपीरियंस लगता है ट्रेडिंग में, परफेक्शन, बहुत टाइमिंग चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, आप रियलाइज करते होंगे जो ट्रेडिंग करते हैं। दूसरी चीज, कैपिटल बड़ी चाहिए ट्रेडिंग करने में, क्योंकि बड़ी कैपिटल पर ही इतना वर्थ इट है कि आप अपना पूरा दिन भर उस पर डेडिकेट करें, जो दोनों ही चीज हमारे पास एज ए स्टूडेंट नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक खास टिप ये देना चाह रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग में ना जाएं। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, और काफी सारे स्टूडेंट्स फिर आकर मुझे बताते भी हैं, जैसे एक स्टूडेंट है उसने बताया कि मुझे, स्टूडेंट था मतलब 2012 में था, उसने बताया सर 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, रियल नंबर बोल रहा हूँ मैं, 50 लैक्स का नुकसान हुआ है। वो 2012 में मुझसे बड़ा था, और उसने ना खुद की प्रैक्टिस शुरू करी, और खुद की प्रैक्टिस शुरू करने के बाद उसने साइड बाय साइड ट्रेडिंग टर्मिनल पर भी बैठना चालू कर दिया, और ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करने लगा। सर शुरू में तो बहुत फायदा हुआ, बट मैंने जब कोविड का क्रैश आया ना, तो मैंने रिलायंस का शेयर शॉर्ट कर दिया, मैं खरीदा नहीं, रिलायंस का शेयर बेच दिया। और कोविड के क्रैश में जब शेयर के भाव बढ़ने शुरू हुए ना, तो सबसे पहला शेयर बढ़ने में रिलायंस ही था, मतलब सबसे ज्यादा ही रिलायंस ने ही मार्केट को ऊपर खींचा था, उसको अकेले रिलायंस के अंदर 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। एक बात बताऊं, कसिनोस आपने सुना होगा ना, कसिनो में जब आप कसिनो में खेलने जाते हो, जाते तो नहीं हो, तो कसिनो में जब आप खेलने जाते हो तो कौन जीतता है, आप जीतते हो या हाउस यानी कसिनो वाला खुद जीतता है, कसिनो वाला ही जीतता है। उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है मैं आज आपको बता रहा हूं। सपोज करो कि आप गए कसिनो और आपने दाव लगाया, सपोज आपने 1000 रुपीज का दाव लगाया, दो बातें होंगी, या तो आप हारोगे या फिर आप जीतोगे। सपोज करो आप हार गए तो वही जीता, सपोज करो आप जीत गए तो आपके 1000 रुपीज बन जाएंगे 2000। अगले संडे आपका मन मानेगा क्या, क्या करोगे आप नेक्स्ट संडे, वापस कसीनो, कितने 2000 रुपीज लेकर जाओगे या 1000 से ही खेलोगे, यार लक चल रहा है तो चलना चाहिए, 2000 लेकर गए, या तो वो 2000 डूब जाएंगे या फिर वो डबल हो जाएंगे। सपोज करो डबल हो गए, कितने हो गए, 4000। अगले संडे मन मानेगा क्या, क्या करोगे आप, रिपीट करोगे ना यार, जब तक आपको सफलता हाथ लग रही है आप मानोगे क्या, नहीं। कब तक जीतोगे आप, कब तक जीतोगे आप, एक दिन तो वो जीतेगा। और क्या होता है, यही कहानी एक ट्रेडर की होती है, जब वो पैसा कमाना शुरू करता है, कमाता जाता 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 है, लेकिन एक गलत ट्रेड में उसकी सारी कमाई साफ हो जाती है, राइट। तो इसलिए ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। आप जो ट्रेडिंग करते हो ना एज एन इंडिविजुअल, वो आपको आइडियली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास टूल्स ही नहीं है जो एक ट्रेडर को टूल सेट लगता है। सपोज करो कि वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो फंड लेकर बैठा है, हाईली पेड एनालिस्ट और ट्रेडर्स लेकर बैठा है, उसके पास अल्गोरिथम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके पास सारे टूल्स एंड रिसोर्सेस है, अगर उसकी पोजीशन नुकसान में भी आई तो उसके पास इतना पैसा है कि वो आखिरी दिन दाव पलट, आप इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आप हमेशा कब तक जीतोगे, आप पैसा तो उसी से ही निकाल रहे हो ना, आप खरीद रहे हैं मतलब वो बेच रहा है, या आप बेच रहे हैं मतलब वो खरीद रहा है, लार्ज फंड हाउस, आप उसे जीत पाओगे क्या, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, राइट।
तो आप अगर छोटा छोटे 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 कमाता भी गए ना, तो कसीनो में कभी भी कोई कमाकर बाहर नहीं निकला, क्योंकि जो कमाकर बाहर निकला वो फिर से अंदर गया है। तो यही कहानी एक ट्रेडर की होती है, वो कमाता है तो वापस से उस पैसे को अंदर रखता है, वो कमाता है तो वापस से उस पैसे को अंदर रखता है, और एक दिन वो सारा का सारा ट्रेड नुकसान में चला जाता है। तो आपको हो सकता है कि कोई बोले ट्रेडिंग करो और इतने अमीर बन जाएंगे एंड सो ऑन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर 1,000 लोग ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ 10 ही लोग सफल होते हैं, 990 लॉस खाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, इससे तो सी एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आपको आइडियली ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप करियर में भटक जाओगे। आपको सीए की पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, और साइड बाय साइड आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगर आपने अपने फंड्स इन्वेस्ट नहीं करे तो इनकी परचेसिंग पावर कम होती चली जाएगी। इज दैट क्लियर दोस्तों? ये हमने यहाँ पर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा, और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के साथ हमने यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे, और उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने सबसे पहले ईपीएस देखा, डिविडेंड परसेंटेज, डिविडेंड पेआउट रेशियो, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज देखा, फिर उसके बाद हमने रिटेंशन रेशियो देखा, फिर हमने अर्निंग्स यील्ड परसेंटेज देखा, इसके बाद हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा, और इसके बाद हमने प्राइस अर्निंग्स रेशियो के बारे में डिटेल में समझा। एक छोटी सी बात और करेंगे, और फिर इसके बाद दोस्तों आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे। वो ये है कि ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ लिखा हुआ है ना, इस मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है। आंसर सेम आएगा, फॉर्मूला है पीई रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ईएईएस। ये पहली बार ही सुन रहे होंगे आप फॉर्मूला, ये तो आपने मुझे बताया था, ये मैंने आपको बताया, पीई रेशियो मल्टीप्लाई बाय अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये भी एक फॉर्मूला है टू कैलकुलेट मार्केट कैपिटलाइजेशन, और अपने सिलेबस में एक्चुअली ये फॉर्मूला ज्यादा काम में आने वाला है, वो डेटा ही ऐसा देंगे कि यही फॉर्मूला चलेगा। हाँ जी, क्या सोच रहे हैं आखिर ये फॉर्मूला कैसे आया? तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है दोस्तों ये फॉर्मूला। अगर मैं मार्केट प्राइस को डिवाइड कर दूं किससे, और नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, मतलब सरल शब्दों में मैंने आपका यही फॉर्मूला उठाया और मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर दिया, ईपीएस से, जिसमें मैंने मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस को क्या नाम दे दिया, और नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अर्निंग्स पर शेयर को क्या नाम दे दिया। सो इट ऑल्सो बिकम्स अ फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? सिलेबस में हमारे वो क्वेश्चन ही ऐसा फेंकेंगे कि शायद वो नंबर ऑफ शेयर्स ही नहीं देंगे आपको, सीधे बताएंगे कि कंपनी का टोटल अर्निंग इतना है। तो जैसे आप यहां पर टोटल अर्निंग पर जैसे ही आप पी रेशो अप्लाई कर देंगे तो वो भी तो मार्केट कैप ही बन जाएगा, कि इतनी कमाई का इतना गुना दाम पूरी जनता पे करने को तैयार है। ये रही टोटल कमाई 1,000 करोड़, और उसका कितना गुना दाम, सपोज 10 टाइम्स प्राइस पे करने को तैयार है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट प्राइस नहीं निकलेगा अब, सीधे क्या निकलेगा, मार्केट कैप निकलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये एक और दोस्तों फॉर्मूला होता है मार्केट कैप का। आपको समझ में आ गया फॉर्मूला? एग्जाम्पल दू इसके लिए, नंबर सहित आप बोल रहे हैं हाँ ले लो ना, एग्जाम्पल क्या है, 2 मिनट में यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं ना एग्जाम्पल। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर का प्राइस चल रहा है सपोज करें 2,000, है ना, राउंड नंबर ले रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स से सपोज करो, अरे रिलायंस की कमाई आपको पता है कितनी है, 60,000 करोड़ रुपए कमाता है रिलायंस एक साल के, 60,000 करोड़ रुपीज पर ईयर उनकी इनकम है अंबानी जी की, 15,000 करोड़ रुपए हर क्वार्टर में उनका प्रॉफिट है, 60,000 रुपीज, 60,000 करोड़ रुपीज की उनकी अर्निंग्स है। सोचो ना, 60,000 करोड़ रुपीज की अर्निंग्स है, मल्टीप्लाई बाय 20-25 गुना के आसपास उनका पीई रेशियो है, 60,000 × 25, 15 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप, जस्टिफाइड लग रहा है नंबर। हाँ जी, तो इनका अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर से सपोज करो 50,000 करोड़, और लेट अस मेक एन अजम्पशन कि रिलायंस के नंबर ऑफ शेयर्स, मैं एक डमी नंबर ले रहा हूँ, इससे थोड़े से कम है उनके शेयर्स, 1,000 करोड़ शेयर्स उनके आउटस्टैंडिंग है, राइट? इस इंफॉर्मेशन से निकल जाएगा ना मार्केट कैप,
हाँ, ऊपर वाले फॉर्मूला से निकल जाएगा मार्केट कैप. यस, ऊपर वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मार्केट कैप इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि 2000 रुपीज़ का प्राइस है और कितने 1000 करोड़ शेयर्स हैं, कितना 20 लाख करोड़, राइट, 20 लाख करोड़. और सेकंड वाले फॉर्मूला के लिए हमें एक तो EAES चाहिए, वो तो है ही सही, दूसरा क्या चाहिए? पी रेशो. वी कैन इजीली कैलकुलेट पी रेशो. सो पी ई रेशो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस अपॉन क्या था? ईपीएस. मार्केट प्राइस है 2000, है ना, मार्केट प्राइस 2000 है, अपॉन क्या चाहिए हमें? ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर. कितना आता है अर्निंग्स पर शेयर? 50 रुपीज आता है हमारा अर्निंग्स पर शेयर. 50,000 करोड़ डिवाइडेड बाय दिस, राइट, तो कितना आता है ये? 40 टाइम्स, राइट. हमने थोड़े से नंबर रियलिटी से अलग लिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि शायद आप पहली बैच में कैलकुलेटर नहीं लाते. तो 40 टाइम्स आता है दोस्तों हमारा पीई रेशियो. निकल जाएगा आंसर, सेम आना चाहिए आंसर. मार्केट कैप इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बोला था मैंने? पीई रेशियो इंटू ई एस, यानी कि 40 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 50,000 करोड़, एंड यू गेट द सेम आंसर, 20 लाख करोड़. इज दैट क्लियर? वो तो मैंने आपको डेरिवेशन ही बता दिया ना, आंसर तो सेम आना ही था. इज दैट क्लियर? इसको कैसे सोचना? ये अर्निंग है, टोटल अर्निंग है, और उसका इतना गुना दाम दुनिया देने को तैयार है, तो कंपनी का ओवरऑल दाम आखिर क्या है? इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पर कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़े हैं. अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर्स पढ़ना शुरू करेंगे. हमारा सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग. वो जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था, वो इंट्रोडक्शन समझाने की सीक्वेंस अलग थी, बट जो करने के सीक्वेंस है वो अलग रहेगी. सबसे पहला चैप्टर हम करेंगे मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग. आज के लिए बस इतना ही, आज थोड़ी छोटी क्लास है.